करता, तू मेरा खुदा मुक्ति दाता। अपने वचन से तू मुझे चंगा करता, तू मेरा खुदा मुक्ति दाता। जैसा कि आप जानते हैं कि प्रभु यीशु के चेले पौलुस और सीलास जब बंदीगृह में थे तब वे परमेश्वर की आराधना कर रहे थे। उसी दौरान बड़ा भूमिकंप हुआ, बंदीगृह की नींव हिल गई और उसके द्वार खुल गए, सबके बंधन टूट गए। देखा कितनी अद्भुत रीति से परमेश्वर ने उन्हें बंधनों से आज़ाद किया। आज भी आराधना की ये सामर्थ काम कर रही है, तो चलो हम भी पवित्र शास्त्र में जैसे लिखा है वैसे डब बजाते और नाचते हुए उसकी स्तुति करें, ऊंचे शब्दावली झांझ बजाते हुए उसकी स्तुति करें। हालेलुया, 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 धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु यीशु, हालेलुया, 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 हालेलुया। इस शब्द का अर्थ है परमेश्वर की स्तुति हो, परमेश्वर की महिमा हो। अभी हम गाना लेकर उस महान प्रभु को धन्यवाद देंगे। आप सभी जन पूरे दिल से इन गानों में भाग लीजिए। गीत क्रमांक 103, नारे लगाओ और गाओ रे। गीत क्रमांक 103, नारे लगाओ और गाओ रे। नारे लगाओ और गाओ रे, झंडा मसीह का फैलाओ रे। नारे लगाओ और गाओ रे, झंडा मसीह का फैलाओ रे। कुछ छोड़ रे, जिंदगी में अब कुछ छोड़ रे। हालेलुया, 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 हालेलुया। यीशु का मृत्यु हुआ है, पापों का अंत हुआ है। सच्चाई कोई ना जाने रे, लंबा सफर जिंदगी का ही, सच्चाई कोई ना जाने रे। हालेलुया, 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 हालेलुया। आके ऊपर को लगाओ रे, यीशु के पास तुम आओ रे। नारी लगाओ रे, गाओ रे, झंडा मसीह का फैलाओ रे।
हालेलुया 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 हालेलुया। गीत क्रमांक 104 रोज रोज गाओ। गीत क्रमांक 104 रोज रोज गाओ। रोज रोज गाओ यीशु तेरा नाम, शाम और सुबह प्रभु यीशु तेरा नाम। रोज रोज गाओ यीशु तेरा नाम, शाम और सुबह प्रभु यीशु तेरा नाम। धड़कनों में यीशु का नाम गूंजता, धड़कनों में यीशु का नाम गूंजता। पाप से बचाने वाले यीशु तेरा नाम, पाप से बचाने वाले यीशु तेरा नाम। रोज रोज गाओ यीशु तेरा नाम, शाम और सुबह प्रभु यीशु तेरा नाम। रोज रोज गाओ यीशु तेरा नाम, शाम और सुबह प्रभु यीशु तेरा नाम। दुख से कराता है दिल पुकारता, दुख से कराता है दिल पुकारता। दुख को मिटाने वाले यीशु तेरा नाम, दुख को मिटाने वाले यीशु तेरा नाम। रोज रोज गाओ यीशु तेरा नाम, शाम और सुबह प्रभु यीशु तेरा नाम। हालेलुया 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 हालेलुया। गीत क्रमांक 18 तू मेरा परमात्मा। गीत क्रमांक 18 तू मेरा परमात्मा। तू मेरा परमात्मा, तू मेरा परमात्मा, तू
हालेलुया 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 धन्यवाद प्रभु यीशु धन्यवाद प्रभु यीशु धन्यवाद प्रभु यीशु धन्यवाद प्रभु यीशु हालेलुया 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 हालेलुया। गीत क्रमांक 123 बहुत ही आनंद हो। गीत क्रमांक 123 बहुत ही आनंद हो। बहुत ही आनंद हो बहुत ही आनंद हो प्रभु यीशु जो दिलन हमें बड़ा भारी आनंद मन हो गल मगन अबे सोचे जुबा से बाहर बहुत ही आनंद हो बहुत ही आनंद हो बहुत ही आनंद हो प्रभु यीशु जो दिलन हमें बड़ा भारी आनंद मन हो गल मगन बाहर बहुत आनंद तेजी से धावत रानी बहुत विनाश की ओर तेजी से धावत रानी बहुत विनाश की ओर हमें बुलावे प्रभु दिखावे लन आप पर प्यार हो बहुत आनंद हो बहुत आनंद हो प्रभु यीशु जो दिलन हमें बहुत आनंद बहुत आनंद बहुत आनंद प्रभु यीशु जो दिलन हमें बड़ा भारी आनंद मन हो गई मगन अभी सोच जुबा से बाहर बहुत आनंद अपन वाणी सुने के मौका हमें दे बागा मगन अबे सोच जुबा से बाहर बहुत आनंद हो बहुत आनंद हो बहुत आनंद हो प्रभु यीशु जो दिलन हमें बड़ा भारी आनंद मन हो गल मगन अबे सोच जुबा से बाहर बहुत आनंद हो। हालेलुया 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 हालेलुया। गीत क्रमांक 84 तू प्यार का सागर। गीत क्रमांक 84 तू प्यार का सागर। तू प्यार का सागर सागर दया का तैरना चाहते हैं
हालेलुया हालेलुया धन्यवाद प्रभु यीशु धन्यवाद प्रभु यीशु हालेलुया हालेलुया। गीत क्रमांक 27 आदि और अंत तू ही है। गीत क्रमांक 27 आदि और अंत तू ही है। आदि और अंत तू ही है, अल्फा ओमेगा तू ही है। आदि और अंत तू ही है, अल्फा ओमेगा तू ही है। दूतों की स्तुति तू ही है, बुद्धि और ज्ञान तू ही है। पाप से भरा जग मेरा शुद्ध सारा, जीवन मेरा पाप से भरा जग मेरा शुद्ध सारा। मुझे पाप से बचाने को मेरे लिए जीवन दिया है, मुझे पाप से बचाने को मेरे लिए जीवन दिया है। यीशु तुम्हारे, यीशु आदि और अंत तू ही है, अल्फा ओमेगा तू ही है। आदि और अंत तू ही है, अल्फा ओमेगा तू ही है। अल्फा ओमेगा तू ही है, अल्फा ओमेगा तू ही है। हालेलुया 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 हालेलुया। गीत क्रमांक 93 हम सबके आंसू। गीत क्रमांक 93 हम सबके आंसू। हम सबके आंसू मिटाने को राजा अधिराजा आ जाता है। हम सबके आंसू मिटाने को राजा अधिराजा बन के वो
मैं यहोवा की सारी करुणा के विषय में सदा गाता रहूंगा, मैं सदा गाता रहूंगा। मैं यहोवा की सारी करुणा के विषय में सदा गाता रहूंगा, मैं सदा गाता रहूंगा। मैं तेरी सच्चाई पीढ़ी से पीढ़ी तक बताता रहूंगा, बताता रहूंगा। मैं तेरी सच्चाई पीढ़ी से पीढ़ी तक बताता हालेलुया।
और अभी हम उस महान प्रभु को नाच गाकर धन्यवाद देंगे, इसलिए सभी जन खड़े हो जाइए। हालेलुया, 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 सभी जन जोर से बोलिए हालेलुया, 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 धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु यीशु, हालेलुया, 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 हालेलुया। तेरा वचन प्रभु, तेरा वचन कैसा है अद्भुत, तेरा वचन, तेरा वचन प्रभु, तेरा वचन कैसा है अद्भुत, तेरा वचन, तेरे ही वचन से शांति मिली है, आत्मा मेरी रोशन हुई है, तेरे ही वचन से शांति मिली है, प्रभु यीशु देख निहारे नाचे सभी।
अभिजन स्वर्ग चल ले जाई हम लोगन प्रभु का महिमा देखे सभी जन स्वर्ग चल ले जाई हम लोगन प्रभु का महिमा देखे सभी जन प्रभु का महिमा देखे सभी जन प्रभु का महिमा देखे सभी जन हालेलुया 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 आत्मा के आनंद से दिल मेरा भर दे प्रभु आत्मा के आनंद से दिल मेरा भर दे प्रभु ईश्वर की महिमा आज यहां प्रकट हो जाए हमारे नहीं डरना आपसे नहीं डरना इम्मानुएल सदा तेरे साथ है नहीं डरना आपसे नहीं डरना इम्मानुएल सदा तेरे साथ है तेरी भलाइयों को गिन नहीं सकते कामों में तू प्रभु कितना घबराना
कितना महान है, तेरी भलाइयों को गिन नहीं सकते, कामों में तू प्रभु कितना महान है। नहीं डरना से, नहीं डरना, इम्मानुएल सदा तेरे साथ है। नहीं डरना से, नहीं डरना, इम्मानुएल सदा तेरे साथ है। नहीं डरना से, नहीं डरना, इम्मानुएल सदा तेरे साथ है। हालेलुया, 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 धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु यीशु, हालेलुया, 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 धन्यवाद स्वर्ग पिता, धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद पवित्र आत्मा, धन्यवाद, 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 धन्यवाद। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, अपनी आंखें बंद ही रखिए, पूरा ध्यान, पूरा मन जीवित परमेश्वर की ओर लगाओ और देखिए प्रभु की स्तुति, उसकी आराधना करने से पहले अपने मन को साफ कीजिए। आपके दिल में जिनके खिलाफ गुस्सा, नफरत, कड़वाहट होगी, उन सभी को क्षमा करना। अपने सारे पापों को प्रभु के सामने कबूल करो, पश्चाताप करके प्रभु यीशु के पास क्षमा मांगिए। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद। मेरे प्यारे भाई और बहनों, देखिए परमेश्वर ने बहुत बड़ा अनुग्रह, उसकी करुणा, उसकी कृपा आज आपके ऊपर की है। आज आप उस सर्वशक्तिमान परमेश्वर के घर में खड़े हैं। ये कोई साधारण मामूली सी बात नहीं है, क्योंकि परमेश्वर तक पहुँचना और उसके घर में खड़े रहना, ये बहुत बड़ा अनुग्रह जो आपके ऊपर हुआ है, ये स्वर्ग से हुआ है। उस परमेश्वर ने उसका हाथ बढ़ा करके आज आपके हाथ को पकड़ करके उसके घर में लाया है, ताकि आप उसकी स्तुति करें, उसके आनंद में मगन हो, उसकी शांति में सहभागी हो। इसीलिए जोर से तालियां बजाकर उस महान परमेश्वर के नाम को ऊंचा उठाओ। धन्यवाद स्वर्गीय पिता, धन्यवाद स्वर्गीय पिता, धन्यवाद स्वर्गीय पिता, धन्यवाद, 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 धन्यवाद। पिता तेरी वंदना करते हैं, पिता तेरी वंदना करते हैं, जीवन तेरे चरणों में रखते हैं, जीवन तेरे करते हैं, हम तुझे प्यार करते हैं, पुत्र तेरी वंदना करते हैं, पुत्र तेरी वंदना करते हैं, जीवन तेरे चरणों में रखते हैं, जीवन तेरे चरणों में रखते हैं, हम तुझे प्यार करते हैं, हम तुझे प्यार करते हैं, आत्मा तेरी वंदना करते हैं, आत्मा तेरी वंदना करते हैं, जीवन तेरे चरणों में रखते हैं, जीवन तेरे चरणों में रखते करते हैं, हम तुझे प्यार करते हैं, हम तुझे प्यार करते हैं, हम तुझे प्यार करते हैं। देखिए मेरे प्यारे भाई और बहनों, वो परमेश्वर प्यार से और सामर्थ्य से भरा हुआ है। हाँ प्रभु, वो हम पर आज भी अमर्याद प्यार करता है।
धन्यवाद प्रभु, जिसने हमारे लिए इस पूरे ब्रह्मांड को, पूरे सृष्टि की रचना की। उसके शब्द के द्वारा वो परमेश्वर आज भी जीवित है और आज भी वो उसके इस पूरे ब्रह्मांड को चला रहा है। ये जो सूर्य का प्रकाश हम ले रहे हैं, वो अपने आप नहीं उगता और अपने आप नहीं ढल जाता, बल्कि उसे चलाने वाला वो जिंदा परमेश्वर है। जो हम शुद्ध हवा ले रहे हैं, ये उस परमेश्वर ने हमें दिया हुआ है। हाँ मेरे प्यारे भाई और बहनों, उसी ने हमारे लिए सुंदर आकाश बनाया, हमारे लिए विविध प्रकार के पशु प्राणी जीव जंतुए बनाए, नदियाँ तालाब बनाए, पर्वत पहाड़ बनाया, अनेकों प्रकार के फल और फूल बनाए हैं। इनके बदले उस महान परमेश्वर को धन्यवाद दो, धन्यवाद, उसके महान नाम को ऊंचा उठाओ। देखो वो परमेश्वर सचमुच कितना प्यार से भरा हुआ है। हर साल वो हमें बरसात का पानी देता है, हाँ वो हमारे जी में जी लाता है, खेतों में हरियाली वही लाता है, वही सबको जीवन देता है, वही सबको संभालता है। मेरे प्यारे भाई और बहनों, किसी एक छोटे से जंतु जीव को भी वो नहीं भूलता। मेरे प्यारे भाई और बहनों, इतना अधिक वो हम सभी के ऊपर प्यार करता है। धन्यवाद। मेरे प्यारे भाई और बहनों, यहाँ तक कि वो परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम्हारे सिर के भी सब बाल गिने हुए हैं, इसलिए डरो नहीं, तुम बहुत गौरवियों से बढ़कर हो। उस परमेश्वर की नज़र में हमारी कितनी बड़ी अहमियत है और वो परमेश्वर हमें कितना अधिक चाहता है, वो हमें कितना अधिक जानता है कि हमारे सर पर कितने बाल हैं, वो भी उसे मालूम है। इतनी बारकाई से वो हम पर देखता है। धन्यवाद। हाँ मेरे प्यारे भाई और बहनों, उसे धन्यवाद दो, धन्यवाद, उसकी महिमा करो, उसकी प्रशंसा करो। मेरे प्यारे भाई और बहनों, वो हमारे सर के सारे बालों को जानता है, इसीलिए कि क्योंकि इन बालों को उसी ने बनाया है। उसने हमारे सर के बाल से लेकर पैर के नाखून तक शरीर के हर एक अवयव को अच्छा बनाया हुआ है। आज हम देख सकते हैं, बोल सकते हैं, सुन सकते हैं, चल सकते हैं, ये महान परमेश्वर की कृपा हम पर हुई है। हाँ मेरे प्यारे भाई और बहनों, हम जब नाच गाकर प्रभु की स्तुति करते हैं, तब ये जो हमारे हाथों से हम तालियां बजाते हैं, ये उस परमेश्वर ने हम पर दया की हुई है। हमारे शरीर में जो ताकत है, बल है, ये उस परमेश्वर ने हमें दिया हुआ है, इसीलिए उसे धन्यवाद दो, इसीलिए उसकी स्तुति करो। देखो उसने आपको अच्छा परिवार दिया हुआ है, अच्छा पति, अच्छी पत्नी, अच्छे बच्चे दिए हैं, अच्छे भाई बहन, अच्छे माता पिता दिए हैं, इसीलिए उस महान परमेश्वर को धन्यवाद दो। उसने काम करने के लिए आपको अच्छा नौकरी धंधा दिया हुआ है, उसने रहने के लिए अच्छा घर आपको दिया है, इसीलिए उसे धन्यवाद दो, उसकी प्रशंसा करो, उसके गुणगान गाओ, जोर से तालियां बजाकर उस महान प्रभु को दिल से धन्यवाद दीजिए। धन्यवाद स्वर्गीय पिता, धन्यवाद स्वर्गीय पिता, धन्यवाद स्वर्गीय पिता, धन्यवाद, 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 प्रभु धन्यवाद। सुंदर सुहानी जिंदगी तूने मुझको दी, अनगिन वरदानों से यहाँ गोरी अनगिन वरदानों से यहाँ जी।
अनगिन वरदानों से यह जीवन सवारा भी सुंदर सुहानी जिंदगी दूरी मुझको दी अनगिन वरदानों से यह जीवन सवारा भी को तेरे ही हाथों ने डूब दिया है तब चरणों में लेकर आए सुंदर जीवन भी जिसको तेरे ही हाथों ने डूब दिया और बहनों, देखिए प्रभु यीशु मसीह का प्यार जो हम पर अमर्याद प्यार करता है, एक पल के लिए भी वो हमें अकेला नहीं छोड़ता। हमारे हर एक दुख के दिनों में और सुख के दिनों में हर समय वो हमारे संग संग मौजूद रहता है। हाँ प्रभु, चाहे कितनी भी बड़ी परीक्षाएं आए, कितने भी बड़े दुखों का पहाड़ हमारे जीवन के ऊपर आ जाए, तब भी वो प्रभु यीशु मसीह हमें भूल नहीं जाता, हमें छोड़ नहीं देता। हाँ। बल्कि हर एक मुसीबत में वो हमारे दिल के एकदम नज़दीक, एकदम करीब खड़ा रहता है। धन्यवाद। और जब हमें ऐसा लगता है कि अब सबने हमें छोड़ दिया और हम उस खाई में गिर जाएंगे, उसके अगले ही क्षण में वो परमेश्वर हमें उसके बाहों में ले लेता है। धन्यवाद। हमें उसके गोद में वो ले लेता है। हाँ मेरे प्यारे भाई और बहनों, देखो वो कितना प्यार से भरा हुआ है। हाँ, कितना करुणा से भरा हुआ है। हाँ, हम सभी के जीवन के ऊपर उसने अमर्याद ऐसे उपकार किए हैं। उनके उपकारों के बदले उसे धन्यवाद दो, उसकी महिमा करो, उसकी प्रशंसा करो। जब जब हम परीक्षा में पड़ते हैं या किसी दुर्घटना में फंस जाते हैं, तब तब वो प्रभु यीशु मसीह हमारे आगे आगे चलता है और उन सारे दुर्घटनाओं से वो हमें बचाता है। वो उसका हाथ बड़ा करके हमें थाम लेता है और उस खाई में वो हमें गिरने नहीं देता, बल्कि वो हमारे पैरों को स्थिर करता है, दृढ़ करता है। हर एक विश्वास के सफर में वो हमारे संग रहता है। धन्यवाद। उसे धन्यवाद दो, धन्यवाद। उसकी स्तुति करो, उसकी महिमा करो। हमारे दुखों से भरे हुए जीवन को, जो हमें एक बोझ जैसा मालूम पड़ रहा था, एक पहाड़ के जैसा हम हमारे जीवन में घुट घुट करके जी रहे थे, उस समय पर प्रभु यीशु मसीह ने हमारा नाम लेकर के पुकारा और उसके राज्य का वारिस हो जाने के लिए उसने हमें इकट्ठा किया है। उसे धन्यवाद दो, धन्यवाद। उसकी महिमा करो, धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु यीशु। प्रभु तू प्यार से भरा हुआ है, तू करुणा से भरा हुआ है, तूने हम पर दया की है, तूने हम पर कृपा की है। हमारे पापों को, हमारे अधर्मों को तूने मिटा डाला, तेरे लहू से तूने हमें शुद्ध किया हुआ है। प्रभु आज हमारे जीवन में जो
आनंद, जो खुशी है वो तेरी वजह से है, क्योंकि तूने हमारे रोगों से हमें चंगा किया है, तूने हमें शैतान के बंधन से छुटकारा दिया हुआ है और हमें ये आशीषों से भरा हुआ जीवन दिया है। इसलिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं, हम तेरी महिमा करते हैं, हम तेरी प्रशंसा करते हैं। जोर से तालियां बजाते हुए नाच गा करके ऊंचे आवाज में उस महान परमेश्वर को धन्यवाद दो। दिल से प्रभु यीशु की स्तुति करो। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद, 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 धन्यवाद। महिमा गाई प्रभु यीशु के, खुशियाँ मनाई बिना नची गाई के। महिमा गाई प्रभु यीशु के, खुशियाँ मनाई बिना नची गाई के। महिमा गाई प्रभु यीशु के, खुशियाँ मनाई बिना नची गाई के। महिमा गाई प्रभु यीशु के, खुशियाँ मनाई बिना नची गाई के। हालेलुया, यीशु के प्यार हवे बहुते महान, हमरे गुनाह खाती दे दे ले जान। यीशु के प्यार हवे बहुते महान, हमरे गुनाह खाती दे दे ले जान। यीशु के प्यार हवे बहुते महान, हमरे गुनाह खाती दे दे ले जान। यीशु के प्यार हवे बहुते महान, हमरे गुनाह खाती दे दे ले जान। हालेलुया, 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 हालेलुया। यीशु के लहू हवे बहुते महान, हमरे गुनाह का मिटावे ला दाग। यीशु के लहू हवे बहुते महान, हमरे गुनाह का मिटावे ला दाग। यीशु के लहू हवे बहुते महान, हमरे गुनाह का मिटावे ला दाग। यीशु के लहू हवे बहुते, हमरे गुनाह का मिटावे ला दाग। हालेलुया, 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 हालेलुया। यीशु के सामर्थ्य बहुते महान, शैतानी बंधन के तोड़े ला जान। यीशु के सामर्थ्य बहुते महान, शैतानी बंधन के तोड़े ला जान। यीशु के सामर्थ्य बहुते महान, शैतानी बंधन के तोड़े ला जान। यीशु के सामर्थ्य बहुते महान, शैतानी बंधन के तोड़े ला जान। हालेलुया, 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 हालेलुया। महिमा गाई प्रभु यीशु के, खुशियाँ मनाई नचे गाई के। महिमा गाई प्रभु यीशु के, खुशियाँ मनाई नचे गाई के। महिमा गाई प्रभु यीशु के, खुशियाँ मनाई नचे गाई के। महिमा गाई प्रभु यीशु के, खुशियाँ मनाई नचे गाई के। हालेलुया, 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 हालेलुया। हाँ मेरे प्यारे भाई और बहनों, वो प्रभु यीशु मसीह का प्यार इतना ही नहीं है, बल्कि उसने हम पर इतना प्यार किया, इतना प्यार किया कि उसने क्रूस के ऊपर अपनी बाहें फैला करके जान दे दी। हाँ। और उसने इस पूरे मनुष्य जाति को, पूरे सृष्टि को दिखा दिया कि वो हम पर कितना प्यार करता है। उसने उसका लहू बहाया, उसने उसका मांस हमारे लिए दे दिया, उसका शरीर दे दिया। हाँ। और इन सब के द्वारा उसने हमें शैतान के बंधन से छुड़ाया है, उसने हमें शैतान के चंगुल से बाहर निकाला है, क्योंकि हमारा जीवन शापों से भरा हुआ था, हम शैतान के बंधन में जकड़े हुए थे, दासत्व के जुए में थे और उससे हमें कोई बाहर निकालने वाला नहीं था। हाँ। उस समय पर प्रभु यीशु मसीह हमारे जीवन में आ गया। हाँ। और उसने हमें सच्ची राह, सच्ची
दिशा दिखाई और हमारे सारे अधर्म को उसने उसके ऊपर ले लिया और हमें नया जीवन देने के लिए, बहुतायत का जीवन देने के लिए, हमारा स्वर्ग के राज्य में प्रवेश कराने के लिए उसने हमारे लिए क्रूस के ऊपर अपनी जान दे दी। धन्यवाद प्रभु यीशु, दिल से प्रभु यीशु को धन्यवाद दो, दिल से उसकी स्तुति करो, उसके नाम को ऊंचा उठाओ। हाँ मेरे प्यारे भाई और बहनों, आज उसी की वजह से हम उसके गुलामगिरी से, शैतान के गुलामगिरी से मुक्त हो गए और हमारा जीवन आज एक सुंदर राह पर है। आज हम उसके प्रकाश में हैं, आज हमें मुक्ति मिली हुई है, आशीष पाए हुए हैं, ये उस प्रभु यीशु मसीह की वजह से है। इसीलिए तालियां बजाकर उस महान प्रभु यीशु के नाम को ऊंचा उठाओ। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद, 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 धन्यवाद। यीशु तो है महान, मेरे लिए है महान, यीशु तो है महान, मेरे लिए है महान, मेरे लिए सब के लिए, मेरे लिए सब के लिए, प्रेम किया है महान, यीशु तो है महान। उस महान परमेश्वर की आराधना करेंगे, इसलिए सभी जन घुटने पर आ जाइए। अपने हाथों को ऊंचा उठाइए, अपने आंखें बंद ही रहने दीजिए और सच्चे हृदय से, आत्मा से उस महान परमेश्वर की आराधना करो, उसकी उपासना करो। देखो वह अगम्य प्रकाश में वस्ती करने वाला परमेश्वर है, उसके इर्द गिर्द स्वर्गदूत निरंतर उसकी आराधना, उसकी उपासना करते हैं। हाँ।
परंतु वो परमेश्वर ये चाहता है कि हम उसके बच्चे अपने सच्चे हृदय से, आत्मा और सच्चाई से उसकी आराधना करें। इसलिए अपने सच्चे दिल से उसकी आराधना करो। हे महान परमेश्वर, हम तेरे पवित्र नाम को ऊंचा उठाते हैं। प्रभु तू हमारा प्रभु है, तू हमारा राजा है, तू हमारा स्वामी है। हम तेरी महिमा करते हैं, हम तेरी प्रशंसा करते हैं, हम आदर सम्मान तुझे देते हैं। धन्यवाद स्वर्गीय पिता, धन्यवाद स्वर्गीय पिता, धन्यवाद स्वर्गीय पिता, धन्यवाद स्वर्गीय पिता, धन्यवाद स्वर्गीय पिता। उठाते हैं तेरा नाम, तेरी स्तुति करते हुए घुटनों पर हम आकर करते हैं तुझे से प्रार्थना। उठाते घुटनों पर हम आकर करते हैं तुझसे प्रार्थना। मिलकर हम गाएं प्रभु की स्तुति हो, मिलकर हम मेरे प्यारे भाई और बहनों, देखिए जिस प्रभु को हम क्रूस के ऊपर देखते हैं, वह प्रभु यीशु मसीह मृत्यु की दशा में उसी अवस्था में क्रूस के ऊपर नहीं रह सका, क्योंकि वह स्वर्ग से आया हुआ जीवित परमेश्वर का इकलौता एक पुत्र है। और वो आज भी जिंदा है। इसलिए मेरे प्यारे भाई और बहनों, उसने मृत्यु को हराया और तीसरे दिन वो जिंदा हो गया। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद। आज भी वो जिंदा है। स्वर्ग में जाने से पहले उसने चेलों से वादा किया कि मैं तुम्हें कभी अकेला और अनाथ न छोड़ूंगा, मैं अपनी सच्चाई की आत्मा, पवित्र आत्मा तुम्हें दूंगा, और वो पवित्र आत्मा जगत के अंत तक सदैव तुम्हारे संग रहेगा। पेंटेकोस्ट के दिन उसने उसके चेलों को पवित्र आत्मा से भर दिया, और आज भी उस पर विश्वास रखने वालों को, जो उससे विश्वास के साथ उसका पवित्र आत्मा मांगते हैं, उनको वो बहुतायत से पवित्र आत्मा से भर देता है। इसलिए आज अपने दिल का दरवाजा खोलो, अपने हाथों को स्वर्ग की ओर ऊंचा उठाकर
प्रभु के पास उसका पवित्र आत्मा मांगो, बुलाओ उसके पवित्र आत्मा को। आ पवित्र आत्मा, आ पवित्र आत्मा, आ पवित्र आत्मा, हमारे दिल में आ, हमारे दिल में आ, हमारे दिल में आ। आ पवित्र आत्मा, आ पवित्र आत्मा, अपना प्यार लेकर, अपना आनंद लेकर, अपनी शांति लेकर हमारे बीच उतरा। अपनी धधकती हुई आग लेकर हमारे दिल में तू प्रवेश कर। आ पवित्र आत्मा, 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 आ पवित्र आत्मा। पावन आत्मा भर दो मुझ में दया तेरी, पावन आत्मा भर दो मुझ में दया तेरी, दया तेरी, दया तेरी, दया पावन आत्मा भर दो मुझ में दीन तेरा, पावन आत्मा भर दो मुझ में प्रेम तेरा, हालेलुया, 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 हालेलुया।
धन्यवाद स्वर्गीय पिता, धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद पवित्र आत्मा, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। मरकुस का सुसमाचार अध्याय 13 वचन 31 मैं पढ़ रहा हूँ, अच्छी तरह सुनिए। आकाश और पृथ्वी टल जाएंगे परंतु मेरी बातें कभी न टलेगी। हालेलुया, हालेलुया। भाई और बहनों, प्रभु यीशु बता रहा है कि आकाश और पृथ्वी टल जाएंगे यानी नष्ट हो जाएंगे, लेकिन मेरी बातें, मैं जो कुछ बोला हूं, कभी न टलेंगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु यीशु बता रहा है आकाश और पृथ्वी टल जाएंगे यानी नष्ट हो जाएंगे, लेकिन मेरी बातें यानी मेरे वचन, मेरे शब्द, मैं जो कुछ बोला हूं, कभी न टलेंगे, कभी नष्ट न हो जाएंगे। हालेलुया। भाई और बहनों, क्यों प्रभु यीशु से बता रहा है, क्या अर्थ है इसका? ये दुनिया जिस हिसाब से चलती है, जिस कानून से चलती है, जिस नियमों से चलती है, वो नियम प्रभु यीशु ने हमें बताए हैं, जिन्हें हम कह सकते हैं सच्चे नियम, सच्चे कानून, सच्ची बातें। प्रभु यीशु जो कुछ बोला उसमें सब कुछ सच्चा था, 100% हर बात सच्ची थी, सत्य थी, असत्य कुछ नहीं था। हालेलुया, हालेलुया। दुनिया जब तक है तब हमें कानूनों की जरूरत है, दुनिया जब तक है तब तक हमें नियमों की जरूरत है। ये दुनिया, ये संसार जिसने बनाया है, वो निर्माणकर्ता परमेश्वर खुदा, उसने नियम किए हैं, कानून किए हैं, और उस कानूनों से ही ये धरती चलती है, दुनिया चलती है। उसके कानूनों के अलावा कुछ नहीं हो सकता है। जो नियम उसने किए हैं, वो नियम हमें बंधन कारक है, उस नियमों के खिलाफ हम नहीं जा सकते हैं। जो कोई उस नियमों के खिलाफ जाने की कोशिश करेगा, वो कभी सफलता नहीं पा सकता है, कामयाब नहीं हो सकता है। भाई और बहनों, मनुष्यों के शब्द और यीशु मसीह के शब्द, इसमें इतना अंतर है। हम कहते आसमान और धरती में जितना अंतर है उतना अंतर है। मनुष्यों के शब्द और परमेश्वर के शब्द से बहुत अंतर है। क्यों ऐसा होता है? मनुष्य सत्य को नहीं जानता है। आप लोग शब्द बदलते हैं, आज एक बात बोलते हैं, कल दूसरी बात बोलते हैं। कई दिन पहले खबर आ गई कि मोबाइल के उपयोग के कारण मनुष्य को कैंसर होता है। क्या होता है? कैंसर होता है। इसके पहले खबर आई थी चाय पीने से कैंसर होता है। दुनिया में कौन सा आदमी है जो चाय नहीं पीता है? चाय न पीने वाला आदमी कहाँ है? अभी आजकल लोग डायबिटीज के कारण चाय नहीं पीते, चाय पीते हैं लेकिन बिना शक्कर पीते हैं, लेकिन चाय न पीने वाला आदमी कहाँ है? वो बोलते चाय पीने से कैंसर होता है, सिगरेट से कैंसर होता है, फिर तंबाकू से कैंसर होता है, मोबाइल से कैंसर होता है, कॉर्डलेस से ज्यादा कैंसर होता है। फिर मोबाइल हमारे हाथ में दिया किसने? कॉर्डलेस हमारे हाथ में दिया किसने? जिन्होंने दिया वही बोल रहे कैंसर होता है। हालेलुया, हालेलुया। फिर खाद बोलते हैं, आप खाद मराठी में हम खत बोलते हैं, फर्टिलाइजर खेत में डालते हैं ना, खेत में डालते हैं ना, तो खाद बोलते हैं ना आप। वो केमिकल खाद के उपयोग के कारण जमीन खराब हो जाती है, ऐसे आज वो बोल रहे हैं। तो क्या डालना चाहिए? गोबर डालना चाहिए। गाय और भैंस का जो ये होता है मल होता है वो डालना चाहिए। आप यदि केमिकल फर्टिलाइजर डालेंगे, खाद डालेंगे, जमीन खराब हो जाती है। लेकिन वो बनाया किसने? जिन्होंने बनाए वही बोल रहे हैं ना। हालेलुया, हालेलुया।
मोबाइल की जाहिरात कौन करते हैं, मोबाइल की विज्ञापन कौन कर रहा है? जो लोग मोबाइल खरीदने के लिए बोलते हैं वही बोलते हैं मोबाइल के उपयोग के कारण कैंसर होता है। हालेलुया, हालेलुया। मनुष्य आज एक बात बोलता है कल दूसरी बात बोलता है। मनुष्यों के शब्द जो है बदलते रहते हैं। क्यों बदलते रहते हैं? क्योंकि मनुष्य सत्य को नहीं जानता है। हालेलुया। यीशु मसीह ने कहा मैं सत्य हूं, आई एम द ट्रूथ, मैं सत्य हूं। मैं सत्य हूं कहने वाला आदमी दुनिया में आज तक एक बार भी नहीं आया, केवल एक ही बार आया यीशु मसीह जिसने कहा मैं सत्य हूं। हालेलुया। मैं जो कुछ बोल रहा हूं सत्य है, उसमें असत्य कुछ नहीं है, सब सत्य है, झूठा कुछ नहीं है। मैं जो बोलता हूं ये सत्य है। इसीलिए उसने कहा कि आकाश और पृथ्वी टल जाएंगे लेकिन मेरी बातें कभी न टलेगी। हालेलुया। उसकी बातें जो है वो बातें सत्य है, वचन सत्य है, उसमें असत्य नहीं है। दुनिया को कानून है और वो कानून मनुष्यों के कानून नहीं है। मनुष्यों ने बहुत कानून किए हैं। कानून के स्टूडेंट्स रहते हैं, छात्र रहते हैं, वो कानून सीखते हैं जिसको हम LLB कहते हैं, बैचलर ऑफ लॉ। वो वकील बन जाते हैं, फिर LLM होते हैं, फिर जज होते हैं। कौन से कानूनों की पढ़ाई करते हैं? मनुष्यों की कानूनों की पढ़ाई करते हैं। लेकिन परमेश्वर का भी कानून है और परमेश्वर के कानून से ही ये दुनिया चलती है, मनुष्यों के कानून से नहीं। हालेलुया, हालेलुया। मनुष्य कहता है अबॉर्शन करना ठीक है, परमेश्वर कहता है अबॉर्शन करना पाप है। कल मनुष्य कह भी सकता है चोरी करना ठीक है, लेकिन परमेश्वर कहता है चोरी करना पाप है। कौन से कानून से दुनिया चलेगी, मनुष्यों के कानून से या परमेश्वर के कानून से? परमेश्वर के कानून से दुनिया चलेगी, मनुष्यों के कानून से नहीं चलती है। हालेलुया, हालेलुया। एक ही आदमी इतना कॉन्फिडेंट था कि उसके बातें कभी बदली नहीं जाएगी, बाकी कोई नहीं बता सकता है मैं जो आज बोल रहा हूं कल भी बोलूंगा, क्योंकि आज मैं जो कुछ बोला हूं उसमें गलती मुझे मिलेगी तो कल मैं कहूंगा कल मैं बात बोला वो गलत थी, आज मुझे मालूम हो गया कल की मेरी बात गलत थी। हालेलुया, 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 हालेलुया। तो भाई और बहनों, सत्य जो है प्रभु यीशु के शब्दों में है, सत्य जो है प्रभु यीशु की बातों में है। आप जब नया करार खोलते हैं, प्रभु यीशु की बातें पढ़ते हैं, तो आपको सत्य मिलता है। दुनिया खोजने की कोशिश करती है सत्य को, लेकिन सत्य मिलता नहीं है। बड़े बड़े आदमी के भाषण हम सुनते हैं, क्यों सुनते हैं? हमें लगता है कि वो सत्य बोल रहा है, लेकिन कोई दिनों के बाद हमें मालूम होता है कि उसके बातों में सत्य नहीं था। भाई और बहनों, एक आदमी ने गलत विचार के द्वारा पूरे संसार को 150 साल फंसाया। ऐसे कितने आदमी दुनिया में हो गए हैं जिन्होंने अपने गलत विचारों के द्वारा दुनिया को फंसाया, दुनिया उनके पीछे गई। लेकिन ये संसार में एक आदमी ऐसा आया था जिसने कहा कि पृथ्वी और आकाश नष्ट हो जाएंगे लेकिन मेरी बातें कभी नष्ट न हो जाएंगी। जो कुछ वो बोला है वो सत्य है, सत्य है और शुद्ध सत्य है। देयर इज नो मिक्सिंग, असत्य नहीं है। जो कुछ वो बोला है सत्य है, सत्य है और सत्य है। भाई और बहनों, आप में से कोई सत्य को जानना चाहता है, आप बाइबल लीजिए, नया करार लीजिए, यीशु मसीह के शब्दों को पढ़िए, बस। यू जस्ट रीड द वर्ड्स ऑफ जीसस, दैट्स ऑल। यीशु मसीह के शब्दों को पढ़ो, आपको सत्य मालूम हो जाएगा। गलत विचार नहीं है वहां, गलत विचार जरा से भी नहीं है। कोई लोग यीशु मसीह के शब्दों की मजाक करते हैं। यीशु मसीह ने कहा कि कोई तुम्हारे एक गाल पे मारेगा उसके सामने दूसरा गाल करो,
कोई तुमके तुम्हारे एक गाल पे मारेगा उसके सामने दूसरा गाल करो। कोई लोग मजाक करते हैं, बोलते गलत है, गलत नहीं यही सही है। गलत नहीं यही सही है। कोई तुम्हारे एक गाल पे मारता है उसके सामने दूसरा गाल करो, यीशु मसीह ने कहा। क्या आपको गलत लगता है? आपको गलत लगता है तो इसको छोड़ो। कोई आपको एक मारेगा आप उसको दो मारो, एक दिन आप खाड़े में गिर जाएंगे, खलास हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। क्या चल रहा है दुनिया में? यीशु मसीह के विचार के खिलाफ चल रहा है, इसलिए दुनिया सफर कर रही है। उन्होंने हमको मारा तो हम नहीं छोड़ेंगे, हम नहीं मारेंगे, यीशु मसीह के विचार नहीं है। भाई और बहनों, यीशु मसीह ने प्यार करने के लिए सिखाया है, क्षमा करने के लिए सिखाया है, शांति रखने के लिए सिखाया है। कोई एक गाल में मारता है उसके सामने दूसरा गाल करने के लिए सिखाया है। यीशु मसीह कहता है आकाश और पृथ्वी टल जाएगी, मेरी बातें कभी नहीं टल जाएगी। प्यार करने वाला ही सफल हो जाएगा, युद्ध करने वाला नहीं। हाँ, मैं नहीं बोल रहा हूं, यीशु मसीह बोल रहा है। प्यार करने वाला ही सफल हो जाएगा, युद्ध करने वाला नहीं। क्षमा करने वाला सफल हो जाएगा, बदला लेने वाला नहीं। आकाश और पृथ्वी टल जाएगी, मेरी बातें कभी ना टलेगी। क्योंकि उसने बातें कौन सी बताई है? प्यार करने के लिए बताया, क्षमा करने के लिए बताया, दूसरा काल सामने करने के लिए बताया, परमेश्वर पर निर्भर रहने के लिए बताया। ये बातें कभी नहीं टल जाएगी। हालेलुया। भाई और बहनों, यीशु मसीह के शब्द, यीशु मसीह की बातें, यीशु मसीह के वचन सत्य है, और वही सत्य है। कोई लोग मजाक करते हैं, बोलते ऐसा कैसे हो सकता है, हमको मारेगा तो हम छोड़ने का, क्षमा करने की। यीशु कहते क्षमा करो। हालेलुया। क्षमा करो, दया करो, शांति रखो, बदला नहीं लेना, हिंसा नहीं करना, यीशु मसीह की सिखावट है। हालेलुया। 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 भाई और बहनों, यीशु मसीह की बातें जो है वो शांति की बातें है, प्यार की बातें है, दया की बातें है। आपको नहीं चाहिए, आप दूसरे मार्ग से जाओ। कौन सा मार्ग है? हिंसा, मारना, जवाब देना, बदला लेना। आप बदले के रास्ते में जाना चाहते जरूर जाओ, आखिर में खाड़े में गिर जाओगे, खत्म हो जाओगे, खत्म हो जाओगे, नष्ट हो जाएंगे। हिंसा आखिर में नष्ट करती है। यीशु मसीह ने कभी हिंसा का मार्ग नहीं सिखाया, क्षमा का मार्ग सिखाया, क्षमा। हालेलुया। 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 इस दुनिया को क्षमा का मार्ग चाहिए, इस दुनिया को दया के मार्ग की जरूरत है, शांति के मार्ग की जरूरत है। हम क्षमा का मार्ग नहीं पसंद करते हैं। किसी ने हमको तकलीफ दी, हम कहते हैं मैं नहीं छोड़ूंगा, मैं बदला लूंगा। ये यीशु मसीह का मार्ग नहीं है। हालेलुया। इसीलिए प्रार्थना के दौरान हम आपको क्या कहते हैं, क्या कहते हैं? क्षमा करो, क्षमा करो, क्षमा करो। यहां प्रार्थना जब चालू होती है मैं क्या कहता हूं, बार बार कहता हूं क्षमा करो, क्षमा करो, क्षमा करो। क्षमा करने से क्या हो जाता है? परमेश्वर आपसे खुश हो जाता है। हालेलुया। और वो बीमारी निकालता है। बीमारी निकालने वाला और कोई नहीं है, बीमारी निकालने वाला परमेश्वर है। परमेश्वर ही केवल बीमारी निकाल सकता है, और कोई नहीं निकाल सकता है। हालेलुया। भाई और बहनों, यदि परमेश्वर आपसे खुश है वो आपकी बीमारी भी निकालेगा, आपको आशीषों से भर देगा। लेकिन परमेश्वर को खुश करना है। परमेश्वर कभी खुश होता है? कान खुले रख के सुनो,
परमेश्वर आपसे कभी खुश होता है जब आप दूसरों को क्षमा करते हैं। एक भाई खड़ा है, ऐसा खड़ा है प्रार्थना के लिए। मैंने यहां से कहा सबों को क्षमा करो, तुम्हारे पति को क्षमा करो, पत्नी को क्षमा करो, भाई बहन को क्षमा करो, माँ बाप को क्षमा करो, रिश्तेदारों को क्षमा करो, पड़ोसियों को क्षमा करो, दोस्तों ने फंसाया दोस्तों को क्षमा करो, और प्रभु के वचन के अनुसार दुश्मनों को भी क्षमा करो। हालेलुया। अभी ये भाई का पड़ोसी होता है, उसके खिलाफ बहुत गुस्सा होता है, बराबर उसको देखा ना तो ऐसा करता है, अभी मैं क्षमा करने के कहता हूं नहीं करूंगा क्षमा, ये मेरे पड़ोसी को मैं नहीं क्षमा करूंगा। मैं कहता हूं क्षमा करो एकदम नहीं करूंगा। ये पड़ोसी मेरे सामने आएगा ना, क्या बोलता है, नहीं करूंगा क्षमा। ये मेरा पड़ोसी है ना, मुझे दिन रात सताता है, मैं नहीं क्षमा करूंगा। प्रार्थना खत्म हो गई। वो बोलता है अरे मैं आया था, मेरा बाया पैर दुखता था, अभी जा रहा हूं दोनों पैर दुख रहे हैं। जब प्रार्थना केंद्र में सुबह प्रवेश किया केवल बाया पैर दुखता था, अभी प्रार्थना खत्म हुई दोनों पैर दुखने लगे, क्योंकि परमेश्वर का गुस्सा उसके ऊपर आ गया। तुम क्षमा करने के लिए तैयार नहीं हो ना तो परमेश्वर का गुस्सा आता है। परमेश्वर क्या करता है, परमेश्वर का कानून है, तुम नहीं क्षमा करते हो दूसरे को, इसलिए तुम्हारे पापों की तुम्हें क्षमा नहीं मिलेगी। तो जब हम दूसरों को पापों की क्षमा नहीं करते हैं तो हमारे पापों का दंड हम लेते हैं, तो शरीर में बीमारी आती है। बीमारी जाती नहीं है, बीमारी वैसे ही रहती है। तुम दूसरों को क्षमा नहीं करते हो तो तुम्हारे पापों की क्षमा होती नहीं है, तो तुम्हारे पापों का दंड तुमको लेना पड़ता है। हालेलुया। जब हम दूसरों को क्षमा करते हैं, हमारे पापों की हमें क्षमा मिलती है, तो हमारे शरीर में से बीमारी चली जाती है। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। तो भाई और बहनों, प्रभु यीशु ने जो बताया है, क्षमा करो, क्षमा मांगो प्रभु से, प्रार्थना करो, प्यार करो, दया करो, परमेश्वर की स्तुति करो, ये जो प्रभु यीशु के शब्द है, आकाश और पृथ्वी टल जाएगी, ये शब्द कभी नहीं टल जाएंगे। और मैंने बताया आपको, बार बार बताने की जरूरत नहीं, खुद को ईसाई कहने वाले देशों ने भी ये शब्दों के अलावा करने का कोशिश की है, और वो भी खाड़े में गिर गए हैं। हालेलुया 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 हालेलुया। भाई और बहनों, प्रभु यीशु के शब्द हमारे जीवन है। आप हर रोज नया करार पढ़ो, हर रोज बाइबल का दूसरा भाग पढ़ो, यीशु मसीह के शब्दों को पढ़ो, लेकिन यीशु के वचनों को जानो, यीशु के शब्दों को जानो, यीशु की बातों को जानो, क्योंकि वो सत्य है। उसके मुताबिक आप चलेंगे, नाकामयाब कभी नहीं हो जाएंगे, असफल कभी नहीं हो जाएंगे, आप जहां कदम रखेंगे सफल हो जाएंगे। हालेलुया। हमें गाइड करने वाला, हमें मार्गदर्शन करने वाला वचन जो है, ये यीशु का वचन है। उसके अनुसार हम चलते हैं, उसके अनुसार जब हम चलते हैं, नाकामयाब नहीं हो सकते, असफल नहीं हो सकते, जहां कदम रखेंगे वहां सफल हो जाएंगे, जो बोलेंगे वो हो जाएगा। मनुष्य जरूर सोचता है कि हमारे कानूनों से दुनिया चलती है, नहीं नहीं नहीं, मनुष्य के कानूनों से दुनिया नहीं चलती है, खुदा के कानूनों से दुनिया चलती है। हालेलुया हालेलुया। वो कानून क्या है, यीशु मसीह ने बताया है, उसने बताया है, प्यार करो, क्षमा करो, दया करो, शांति करो। आपको ये नहीं चाहिए, दूसरे मार्ग से जाएंगे, हिंसा के मार्ग से जाएंगे, वो प्रभु का मार्ग नहीं है, परमेश्वर का मार्ग नहीं है, भगवान का मार्ग वो नहीं है।
हालेलुया, हालेलुया। इसलिए बहुत कॉन्फिडेंस से उसने बताया है, 100% कॉन्फिडेंस। क्या कॉन्फिडेंस है? आकाश और पृथ्वी टल जाएंगे लेकिन मेरी बातें कभी नहीं टल जाएगी। हालेलुया। ये किताब है जिस किताब में यीशु मसीह के शब्द लिखे हुए हैं, इसकी बातें लिखी हुई है। ये किताब आज 2010 साल चालू है। ये किताब लिखा गया समझो पहले शतक में, ईस्वी सन 70-80 में लिखा गया। एक दिन भी ऐसा नहीं था दुनिया में जिस दिन इस किताब का रिकॉर्ड ब्रेक हुआ है, कभी नहीं हुआ। हर दिन दुनिया में सबसे ज्यादा बिकने वाला किताब बाइबल है। हर दिन, हर दिन पूरे दुनिया में सबसे ज्यादा बिकने वाला किताब बाइबल है। दुनिया में 2010 साल में एक दिन भी ऐसा नहीं था। 2010 में से मैं 70-80 साल बाजू में करता हूं, कमी का 1960-70 ईयर्स ये किताब छपा के हो गए। एक दिन ऐसा नहीं था इसका रिकॉर्ड ब्रेक हुआ है, कभी रिकॉर्ड नहीं ब्रेक हुआ है, कोई नहीं ब्रेक कर सका इसका रिकॉर्ड। क्यों? इसमें सत्य है। इसलिए इसमें क्या मिलता है? सत्य मिलता है, इसलिए लोग ये किताब खरीद लेते हैं। हालेलुया, हालेलुया। फ्रेंच फिलोसोफर वोल्टेयर, फ्रेंच तत्व चिंतक वोल्टेयर, इस आदमी ने कहा था कि आने वाले 100 सालों में बाइबल पृथ्वी में से नष्ट हो जाएगा। क्या बोला था? आने वाले 100 सालों में बाइबल पृथ्वी से नष्ट हो जाएगा। किसने कहा था? फ्रेंच फिलोसोफर वोल्टेयर। आपको मालूम है क्या हो गया? वोल्टेयर मर गया। मरने के बाद बाइबल सोसाइटी ऑफ जर्मनी ने वोल्टेयर का मकान खरीद लिया और उस मकान में छापखाना डाला, प्रेस डाली, और वहां से बाइबल छपाना शुरू किया। वोल्टेयर ने क्या कहा था कि आने वाले 100 सालों में बाइबल पृथ्वी से नष्ट हो जाएगा। कोई लोग ये गलती कर रहे हैं, उनको लगता है कि यीशु मसीह की सिखावट नष्ट हो जाएगी, लेकिन मैंने आपको बताया अमेरिका जैसे देश गलती कर रहे हैं। ये खुद को ईसाई कहते हैं लेकिन ईसा के अनुसार चलते नहीं है, इसलिए यीशु मसीह का नाम बदनाम होता है। लेकिन उनको पता नहीं है कि यीशु मसीह ने कहा है, चैलेंज है, चुनौती है, खुली चुनौती है, इसे ओपन चैलेंज, ओपन चैलेंज। क्या चैलेंज है? आकाश और पृथ्वी नष्ट हो जाएंगे, मेरे बातें कभी नहीं नष्ट हो जाएगी। उल्टा करो, उल्टा करो, यीशु मसीह कहता है वैसा मत करो, उल्टा करो। यीशु मसीह कहता है गाल पे मारो दूसरा गाल करो, आप ऐसा मत करो, आप हिंसा करो, देखो क्या होता है, देखो क्या होता है, क्या होता है देखो, खत्म हो जाएंगे आप, उल्टा करने वाले खत्म हो जाएंगे। यीशु मसीह ने जो बताया उसका उल्टा करने की कोशिश करो, खत्म हो जाएंगे। हालेलुया। लेकिन उसकी बातें है क्या? उसकी बातें यही है, प्यार करो, क्षमा करो, दया करो, शांति करो, प्रार्थना करो, परमेश्वर में मन लगाओ, यही बातें तो बोला हो। ये बातें कभी नष्ट नहीं हो सकती है, कौन सी भी ताकत लगाएंगे ये बातें कभी नष्ट नहीं हो सकती है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आपका नाम बताओ। मेरा नाम प्रमिला है, ये मेरे लड़की है। पूरा नाम क्या है? प्रमिला श्रवण निरंकारी। लास्ट टाइम ये जब आप मम्मी के साथ प्रार्थना में आई थी तभी इसने यहाँ के ऐसा प्रे किया था कि थोड़ा मैं पढ़ाई में वीक हूँ, आगे जाके मुझे बोर्ड का एग्ज़ाम देना है, तो वो नंबर से मैं अच्छे से पास हो जाऊँगी तो यहाँ पर आके गवाही दे दूँगी। तो ये टाइम इसका 84% अच्छे से आ गया, प्रभु ने अच्छा ही इसको चंगाया। कितवी कक्षा में उसको 84% आया? दसवीं में। दसवीं में पढ़ने में कमज़ोर थी? थोड़ी कमज़ोर थी पढ़ने में, क्योंकि फर्स्ट यूनिट टेस्ट में उसका मार्क्स थोड़ा कम आ गया था। तो उसमें उसने मैंने इसको पूछा कि मम्मी से साथ जाके एक बार प्रार्थना कर लेना तो तेरा सब कुछ अच्छा हो जाएगा। तो अच्छे से 84 नंबर उसका आ गया है, इसलिए प्रभु को धन्यवाद दे रही है। और अगली क्या गवाही है? और दूसरी मेरी गवाही थी कि मुझे थोड़ा पैसे की
ज़्यादा ज़रूरत थी कंपनी के लिए, तो हमने 2-3 जन के लिए बोला था, पर वहाँ से कुछ अरेंज नहीं हुआ, पर मेरे फैमिली के थ्रू मेरे को पैसे की अरेंज हो गया, इसके लिए परमेश्वर को धन्यवाद देती हूँ। आपने उसके लिए प्रभु यीशु के पास प्रार्थना? हाँ, उसके लिए मैंने प्रार्थना किया था। जब भी रात को सोती थी परमेश्वर से हर चीज़ के लिए मैं प्रार्थना करती थी, पर हर एक चीज़ मेरा आज तक प्रभु यीशु ने पूरा किया, इसके लिए परमेश्वर को धन्यवाद देती हूँ। क्या गवाही आपके बेटी की? सिस्टर, इनका गवाही है, संडे की सुबह इनको बाथरूम गई तो बाथरूम हुआ, फिर उल्टी भी चालू हो गई, फिर रूम आई 2-2 मिनट पर ऐसा लग रहा है इसको बाथरूम हो रहा है, साथ में उल्टी भी हो रही थी, मतलब उसको जुलाब की परेशानी हो रही थी। हाँ, तो उल्टी भी जुलाब दोनों साथ में हो रहा था, एकदम इसको चक्कर आने लगा, ऐसे लौटने पोटने लगी, ऐसे मतलब अपने से खड़ी नहीं हो पा रही थी, तो मैं उसे बाथरूम से गोद में लेकर घर पर आई, तो मतलब सुबह का जो ऑनलाइन प्रार्थना 9:30 बजे चालू हुआ था तो हम सब लोग उसी में भाग लिए थे। लास्ट की प्रार्थना टाइम में मतलब सिस्टर ने बोला सब हाथ रखो, तो हम सब ने इस पर हाथ रखा, उसका भाई और मैं और कि पापा भी थे, तो मतलब लास्ट मतलब जब प्रार्थना ख़त्म हो गई तो ठीक हुई उसके। प्रार्थना में भाग लेने से प्रभु यीशु ने उसको घर पर ही चंगाई दे दी। ऑनलाइन प्रार्थना सभा में आपने भाग लिया था, प्रभु ने उसे चंगा किया है। आप लोग तालियां बजाकर प्रभु यीशु को धन्यवाद दीजिए। माँ जी, आपका नाम बताइए। हिंदू धोबी। और क्या हो गया था आपको? मेरे को बहुत बहुत तबीयत खराब हो गई थी, मेरा कम से कम 15 दिन तक तबीयत खराब था, और मेरे को थोड़ा भी चैन नहीं था, क्या मेरे को सताता था मेरे को मालूम ही नहीं, इतनी घबराहट, इतना बेचैनी, हाथ पैर में ताकत नहीं, और जय जुलाब होता था, जय जुलाब बंद हो जाता था, बहुत गैस बनता था। मैं प्रार्थना घर में फ़ोन लगाई और बहन ने मेरे खातिर प्रार्थना किए और मैं अच्छी हो गई, अभी मैं अच्छी हूँ, प्रभु का कोटि कोटि धन। एक बहन ने आपके लिए प्रार्थना किया, तभी से आपको अभी आराम मिल गया है, अभी आपको वो सारी तकलीफ़ें होती नहीं हैं? नहीं, सारी तकलीफ़ें नहीं, नहीं तो मैं को रात भर नींद नहीं आती थी, मैं सोती नहीं थी, बहुत बेचैनी, पूरी रात बैठ बैठ के सवेर करती थी, क्या होता है, क्या प्रभु क्या होता है, तो मैं मतलब रात भर आपको नींद नहीं आती, लेकिन जब से आपके लिए प्रार्थना की गई तब से आप ठीक हो गए हो। ये आपकी पोती है? ये मेरे बड़े लड़के की लड़की है, और 12 में थी ये, और पेपर देने के टाइम इसको बहुत घबराहट होती थी, भूख नहीं लगती थी, दिन दिन खाना नहीं खाती थी, बहुत चिंतित थी, पेपर दी, हम लोग बोलते थे तू चिंता मत कर, प्रभु हैं तेरे साथ, तू प्रार्थना कर, मेरे साथ में आई, यहाँ मिनती पेटी में चिट्ठी डाली और प्रार्थना की, मैं भी की, और प्रभु ने इसको बहुत अच्छे नंबर से पास किए हैं, बरौई का पास हो गई है, अब प्रभु को मैं कोटि कोटि धन्यवाद देती। अभी वो 12वीं में, तुम्हारा नाम बताओ? कनक। कनक, और अभी 12वीं की पढ़ाई किया तुमने, पेपर अच्छे नहीं गए थे? पेपर अच्छे गए थे, लेकिन बहुत डर लग रहा था कि पास ही नहीं पाऊंगी, 50-60% ऐसे ही आएंगे। अभी कितना परसेंटेज आया? 85 प्रतिशत पास हो गए हैं। सब लोग तालियां बजाकर प्रभु यीशु को धन्यवाद दीजिए। क्या गवाही आपकी बेटी की? हम लड़की को गवाही है, जब अहमदाबाद में थाने ससुराल में, आज जब से लड़की हुआ इसको पेट में रहा, तो जब से इसको तबीयत हालत ख़राब था बहुत, मतलब ये आपकी बेटी इस बेटी के समय पे जब ये प्रेग्नेंट थी तभी से उनकी हालत ख़राब रहती थी, क्या होता था? बोलता था उसको जो सोनोग्राफ किया डॉक्टर सास उसको किया, तो सोनोग्राफी में क्या बताया? सूजन भी बताया, सूजन भी कमज़ोर भी बहुत बोला, वो तो इसको बहुत डॉक्टर भी किया, पानी भी चढ़ा, कोई भी बोलता था तुम्हारी लड़की क्या कहूँ कितना डॉक्टर करते हैं, कुछ उसको लाग नहीं लग रहा है, अच्छी नहीं हो रहा है, होते होते इसको 7 महीने पूरे गया, ऐसा ही दुख करते करते तो मेरे पास ला को छोड़ दिया, मेरे पास छोड़ा तो हम भी इसको डॉक्टर किए, खून तपा साल किया तो इसको टाइफाइड बोला, डेंगू हो गया, डेंगू खून कम था, लाल भी खून कम था, कमज़ोर भी बहुत था, तो डॉक्टर को तो घबराता था, बोलता 7 महीने इसको पेट पर बच्चा तो लगता नहीं है, अब मैं एक ही प्रार्थना करते थे, जब मेरे समधी भी फोन करता था जब बच्चे को हालत लड़की को हालत ख़राब है, जब मैं दान पेटी पर लिख लिख को धरते थे, बिंदी पेटी में आप समस्या लिख कर डालते थे, समस्या लिख के धरते थे, इधर हम एक रो प्रार्थना करते रहे, प्रभु मेरे लड़की को ऐसा है, आप तो माँ बाप भूलता, आप तो नहीं भूलेगा, मेरे बच्ची जहाँ भी है उसको रक्षा कर पिता। जब ये आपकी बेटी 7 महीने की
गर्भवती थी, तभी डॉक्टर ने बताया कि बच्चा मतलब पेट में एकदम थोड़ा कुछ ठीक से दिखाई नहीं दे रहा है। दिखाई दे, वो बहुत छोटा लगता है, उसको है नहीं पेट में, 7 महीने इसको पटला, उसको लगता नहीं है जितने इतनी बड़े छोटी से पेट है इसको। अब हम उधर से तो प्रार्थना करते रहे, तभी भी इसको हालत बहुत ख़राब था। मेरा पास जब लाया तब मैं इसको डेंगू को चेक करवाया, खून तपास करवा, तो इसको हालत फिर भी बहुत ख़राब था, इसको हालत था ख़राब। तो मैं एक ही इधर इसको ला को इधर प्रार्थना करते थे, दान पेटी पे नाम लिख के समस्या लिख के धरते थे, प्रभु इसको इतना हालत ख़राब है, मैं भी कितना डॉक्टर करता हूँ और वो उधर भी बहुत करता है, अब इसको क्या करूँ मैं, कितना भी आदमी भी मेरे बहुत गुस्सा रहा है जे उसको इतना हालत ख़राब ला को उसको सांस धर दिए थे पति इसको। आपने जब ये प्रार्थना करनी शुरू कर दी उसके बाद क्या हो गया? उसको जब कहें तो उधर आया तो खाना पीना इसको दिए, प्रार्थना करते रहे, उसको मिट्टी आशीष तेल उसमें धर धर को इसको पानी खाने में हर चीज़ में इसको देते थे और पानी भी चढ़ाते थे गिए, तो उसे को बाद लरमाल वो जो खून तपात जब किए तो डेंगू बताया, फिर भी घबराहट बोला जिसको बहुत डेंगू है इसको हालत, आज जाने को टिकट कटा था, तो बोले जाओ जो भी समस्या में प्रभु को साथ में समर्पण करते हैं, जो भी कुछ होगा प्रभु देखा जाएगा, इसको लेकर पानी और दवाई तुवाई सब लिखा दिए, इधर से मैं चले आया गाँव आए, गाँव में गए, जैसे ही गए इसको हालत 5 दिन सिर्फ या गोली खाया, इसको डेंगू किधर गया, इसको बीमारी किधर गया, अच्छा बहुत है दिखने में लग गया, खाते हो दो ही। प्रभु ने आपको ये नॉर्मल बेटी देख करके आशीषित किया, आपको पेट में काफ़ी समस्या हो रही थी, पेट में सूजन है ऐसा बताया था। हाँ ऐसा बताया, ठीक हो गया, और आपको बेटी ही चाहिए थी, प्रभु ने आपको बेटी देकर आशीषित किया है। हाँ प्रभु ने इनको ये सुंदर बेटी देकर के आशीषित किया है, आप लोग तालियां बजाकर प्रभु यीशु को धन्यवाद दीजिए। ये भाई को ऐसी समस्या हो गई थी, बताते हैं कि 5 तारीख को इनको बवासीर की समस्या हो गई थी और बवासीर की वजह से इनके संडास के रास्ते से खून भी जा रहा था, इतना खून जा रहा था जब इन्होंने देखा तो थोड़ा सा डर गए थे, लेकिन ये बता रहे हैं कि इन्होंने एक बार यहाँ पर मंच पर एक गवाही सुनी थी कि एक भाई को भी ऐसी तकलीफ हो गई थी और उनका भी इतना ही खून जा रहा था, तो उनको उस गवाही पर विश्वास नहीं था, लेकिन जब इनको ये समस्या जब हो गई तब इनको पता चला कि वो गवाही सचमुच थी और वो भाई सच बोल रहा था, फिर उन्होंने प्रभु से पश्चाताप किया, प्रभु से प्रार्थना करते रहे और अपनी समस्या परिवार मीटिंग में सिस्टर को बताई, जब सिस्टर ने इनको आशीष दिया, आशीष देने के बाद प्रभु का सामर्थ्य इनके ऊपर उतरा और बताते हैं उसके दूसरे दिन से ही उनकी वो समस्या निकल गई है, अब ये बिल्कुल भी ठीक ठाक है, इसलिए आप सब लोग जोर से ताली बजाकर प्रभु यीशु को धन्यवाद दीजिए। ये बहन का नाम कलावती पाल है, 2 महीना पहले बुखार आ रहा था, बहुत परेशान थी, करीब 1 महीने तक बहुत परेशान हो गई, लेकिन इन्होंने प्रभु से प्रार्थना करते गए, प्रार्थना माध्यम का इस्तेमाल करते गई, प्रभु यीशु का महान अनुग्रह हुआ, बुखार इनका निकल गया। वैसे ही गए जनवरी महीने में इनके पति इलेक्ट्रिक का कुछ काम कर रहे थे, इन्होंने मना किया कि मत करो, पर उन्होंने करने के लिए गए और काम करते समय उन्हें शौक लगा, करंट पकड़ा तो चिल्लाने लगे, उन्हें बचाने के लिए जब ये गई तो उनको भी करंट लगा, दोनों जन को करंट जब पकड़ा तो इनके मुंह से एक ही नाम निकला, प्रभु यीशु बचा, प्रभु यीशु का मान अनुग्रह हुआ, दोनों जन को प्रभु ने बचा लिया बड़ी दुर्घटना से, इसलिए आप लोग तालियां बजाकर प्रभु यीशु को धन्यवाद दीजिए। भाई अपना नाम बताइए। विनोद गुप्ता। आपको क्या हुआ था? मेरे पैर में यहाँ से लेके यहाँ तक मतलब इतना दर्द होता था कि चलने को नहीं होता था और जैसा पत्थर बांधा हुआ है, मैं यही मंडे को शिविर लिया था तो मैंने कुर्सी पर बैठता था तो भी नहीं बैठने को होता था, ज़मीन पर बैठता था तो भी नहीं होता था, तो घड़ी घड़ी बाथरूम में जाके पैर भिगा भिगा के आता था, थोड़ा आराम मिलता था, मैंने इतना परेशान हो गया था, न प्रवचन सुन पा रहा था न प्रार्थना कर पा रहा था, फिर पहला दिन बीता, दूसरा दिन बीता, फिर तीसरा दिन मैंने रोने लगा, मैं बोला अभी मैं कैसे जाऊंगा घर पे, क्या करूंगा, मैं काम पे काम भी नहीं कर पाऊंगा, तो लास्ट में जब सब खाना खाने गया तो मैं कोने में बैठ के रो रहा था, तब बड़ी सिस्टर आई आशीष देने के लिए, तो मैं आशीष दे रहा तो मेरा पैर झन झन किया, तो फिर गेट के बाहर गया तो एकदम चंगा हो गया, एकदम मतलब पैर एकदम हवा के जैसा हो गया। 15 दिन से आपको ये तकलीफ था, चल नहीं पाते थे, बैठ नहीं पाते थे, शिविर में भाग लिए, जब सिस्टर ने प्रार्थना किया, प्रभु यीशु का अनुग्रह हुआ, वो दर्द पूरा भारीपन निकल गया, भारीपन निकल गया, बाहर गया एकदम हवा जैसा हो गया,
तो मैं जल्दी जल्दी घर पे गया। मैं बोला कि चलो अभी टाइम है, मैं धंधा भी लगा सकता हूँ। घर पे गया तो एक भाई ने बोला कि भाई तुम्हारा तबीयत ख़राब था क्या, हॉस्पिटल में भर्ती थे क्या, वो बैग वेग देखा तो ऐसा बोला। मैं बोला नहीं, मैं हॉस्पिटल में मतलब अपने प्रभु के हॉस्पिटल में भर्ती था। हाँ, और हमारा प्रभु यीशु का नाम है, डॉक्टर का नाम प्रभु यीशु नाम है। हाँ, यानी कि आप बताएं उनको और प्रभु यीशु ने चंगा किया। लेकिन जब पहले आप चलते थे, दर्द था, जरा चल के बताइए कैसे चलते थे, लोगों को दिखाइए। जब दर्द था पैर में आपको, चलता था तो ये पैर उठाने की हिम्मत नहीं करता था, मगर मैं जबरदस्ती चलता था ऐसा ऐसा कर, यानी कि घसीट के ऐसा चलना पड़ता था। जरा जरा बैठने भी नहीं हो रहा था, बैठने को भी नहीं होता था। बैठ के दिखाइए। अभी कोई दर्द नहीं, अभी कोई दर्द नहीं। जरा आप वहाँ से चल के दिखाइए लोगों को, अभी कोई भी दर्द नहीं हो रहा है, कोई भी दर्द नहीं। प्रभु यीशु ने अद्भुत तरीके से चंगाई दी। 15 दिन परेशान थे, चलना उठना भारी था। शिविर के बाद प्रभु यीशु ने महान अनुग्रह किया, अभी चल सकते हैं, बैठ सकते हैं। इसलिए जोरदार तालियां बजाकर प्रभु यीशु को धन्यवाद दीजिए। भाई आपकी गवाही बताइए। मेरी गवाही है कि मैं गांव में गया था अप्रैल महीने में लास्ट तक, तो मेरा गाड़ी का टिकट हो नहीं पा रहा था, कैसे करके स्लीपर गाड़ी का टिकट हुआ स्पेशल का। मैं जब ही निकल रहा था 30 तारीख को, तो पहले ही नेट में देखा तो 10 घंटा गाड़ी लेट थी। स्टेशन पे जाते जाते 15 घंटा लेट हुआ। होने के बाद जैसे स्टेशन पर पहुँचा तो बोला लोग कल सुबह की गाड़ी है, मतलब 31 तारीख को सुबह में गाड़ी है। तो मैं प्रभु से प्रार्थना की, अगर पापा को बोलूं तो पापा टिकट कैंसिल करवा दिए, फिर 10 दिन मेरा रुकना पड़ेगा। तो मैं प्रभु से उधर ही प्रार्थना करने लगा। जितने लोग तो नेट वाले जो देखते थे वो वहाँ से वापस चले गए। तो हम ऐसे बिस्तर लगा के, कभी प्लेटफॉर्म पर सोया नहीं था, ऐसा बिछा के बच्चे लोग को सुला दिया। जैसे सोए लोग बच्चे, मैं प्रार्थना करने लगा। प्रार्थना जैसे किया वैसे ही अलाउंस किया, जो स्पेशल गाड़ी है वो आ रही है। जैसे 5 मिनट के बाद आ गई गाड़ी। गाड़ी आने के बाद वो मेरे को एक डर था, जो मतलब जो स्लीपर गाड़ी है उसमें बहुत भीड़ होती है, तो मैं डर था। तो बाथरूम में भी बैठ जाते हैं लोग, तो मैं प्रभु से विनती किया, प्रभु ऐसा कर कुछ जो हम सही सलामत जाए। जिस गाड़ी में आया वो बोगी में हम ही केवल, हम अगर 3 बच्चे थे, मैं था, पूरी नासिक तक हम ऐसा ही आ गया, हमको कोई तकलीफ नहीं हुआ। इसलिए प्रभु यीशु को धन्यवाद करते हैं। दूसरी गवाही ये है जो हमको 9 साल हो गया प्रभु में आके। हम कभी भी जाता था गांव में बाइक चलाते समय, तो हम रास्ते में सियार बिल्ली जो भी पड़ता था तो हम डर के मार कभी या तो एक्सीडेंट अपने खुद कर लेता था या तो उसको कर लेता था। लेकिन जब से प्रभु में आया हमेशा मुँह घूमना हमेशा फूटता था। लेकिन पापा कभी भी खड़ा रहते, रात में ड्यूटी रहता था, वो लेके पहुँच जाते थे, डॉक्टर के पास लेके जाते। आज 9 साल हो गया प्रभु, कभी एक्सीडेंट नहीं हुआ, कभी कुछ नहीं। इसलिए प्रभु यीशु को धन्यवाद। सब लोग जोर से ताली बजाकर प्रभु यीशु को धन्यवाद दीजिए। भाई आपका नाम बताइए। मेरा नाम ओम प्रकाश जयसवार है। आपकी गवाही बताइए। मेरी गवाही है कि मेरे दांतों में बहुत सालों से, मेरे दांतों और मसूड़े में बहुत तकलीफ थी। मेरे मसूड़े पूरे सड़क के नीचे आ गए थे और बहुत दर्द देता था। रोज़ ब्रश करते समय उसमें से खून निकलता था और बहुत बहुत पीड़ा थी। कोई भी कड़क चीज़ में आगे से तोड़ नहीं पाता था, मुझे बहुत तकलीफ थी ऐसी। पर जिस दिन से सिस्टर ने विशेष प्रार्थना ली उस दिन से मेरा ये दर्द और तकलीफ पूरी तरह से निकल गया। पर मुझे ये जब अगले हफ्ते पहली गवाही जो इसकी आई कि और किसी की तो ये चंगाई की मिली थी, तो मुझे पता चला कि मेरा भी ये ठीक हुआ है। पर मुझे खून निकलता था तो मैं अपना दांत अच्छे से साफ नहीं करता था, तो मुझे लगा मैं ब्रश अच्छे से करके देखता हूँ, अगर मेरा जो गंदगी है सब साफ हो जाएगा और खून नहीं निकलेगा तब ये मैं गवाही दूंगा। तब से लेके मैं आज तक बहुत अच्छे से ब्रश करता हूँ, मेरे दांत में जो भी गंदगी थी सब साफ हो गया और एक बार भी खून नहीं निकला। इसमें प्रभु को धन्यवाद देता हूँ। लगभग कितने साल से आपको ये तकलीफ थी? मैं जब 14-15 साल का था तो उसके पहले तक मैं ब्रश अच्छे से करता नहीं था, मेरा दांत तब से ही ख़राब था। उसके बाद जब ब्रश अच्छे से करना शुरुआत किया तब से ये ऐसा मुझे तकलीफ है। और मेरे मसूड़े पहले से ही कमज़ोर थे तब से लेके, और अभी मेरा उम्र हो गया 35 साल, तब से मुझे तकलीफ थी। पर और मैं डेंटिस्ट के पास भी गया था, मैंने साफ कराया था, मुझे उसने जेल दिया था और टेबलेट भी दिया था, पर कुछ भी फ़र्क नहीं हुआ। फिर मैं छोड़ दिया, मतलब पैसा खर्चा होगा, ठीक नहीं होने वाला। पर उस दिन विशेष प्रार्थना के दिन से लेकर आज तक मुझे ऐसी तकलीफ नहीं हुई, इसलिए प्रभु को धन्यवाद देता हूं मैं। मतलब जिस दिन सिस्टर ने दांतों के लिए विशेष प्रार्थना की थी उस प्रार्थना में आपने विश्वास से भाग लिया, उस दिन से आपके दांत का जो खून आना बंद हो गया है। हाँ, पूरी तरह से बंद हो गया है।
इसके अलावा आपकी दूसरी क्या गवाही है? इसके अलावा मेरी दूसरी गवाही है कि ये बुधवार को मैं गाड़ी चला रहा था तो मुझे एक भाड़ा आया कामन के लिए, तो वो मैं इतना ट्रैफिक था कि मैं 7 बजे यहाँ से बापाने से मैं कामन पहुँचा कुछ 9:30 बजे, वो भाड़ा लेके फिर मुझे बापाने आते आते 12 बज गया और मेरे घुटने में 5-6 दिन पहले से ही तकलीफ था और कमजोरी भी थी क्योंकि 2-3 दिन मैं घर पर नहीं गया, मुझे बहुत परेशानी थी, इतना मुझे तकलीफ हो गया। मैं प्रार्थना माध्यम का इस्तेमाल कर रहा था, मैं बहुत इस्तेमाल कर रहा था पर मुझे आराम नहीं हो रहा था। फिर आपने क्या किया? फिर इसके लिए मैं रो रहा था बहुत कि प्रभु मुझे चंगा कर, ये भाड़ा मुझे दादर लेके जाना है, ये वे पॉइंट है, मुझे किसी भी तरह ये भाड़ा पूरा कर, मैं घर पे चला जाऊँ, मुझे ठीक कर दे प्रभु। पर मैं प्रार्थना जब कर रहा था मुझे अंदर से आवाज़ आया कि वचन बोल, तो मैं सोच रहा हूँ मन में मैं कब से तो यही कर रहा हूँ, प्रभु बोल रहा है वचन बोल, फिर मैं प्रार्थना किया प्रभु फिर बोल रहा है फिर वचन बोल, फिर उसके बाद में मैं डर से मैंने फिर वहाँ पे घुटने पे अपने हाथ रख के वचन बोला और उसके बाद बापाने के आगे से ट्रैफिक कम हो गया और मैं मीरा रोड में फिर ट्रैफिक में दहीसर टोल के पहले जब गया ना तो मेरा ध्यान आया कि मेरा घुटना, मेरी तबीयत और मैंने खाना भी नहीं खाया, 1-2 बज गया, मेरा सब कुछ जो तकलीफ था मेरा वो पूरा निकल गया और मैं उस दिन पूरा दिन काम किया, रात को मैं 11-12 बजे गया, मुझे कोई तकलीफ नहीं, इसलिए प्रभु को मैं कोटि कोटि धन्यवाद देता हूँ। आपका नाम बताइए। मेरा नाम दुखीराम पाल है। आपकी क्या गवाही है? मेरी गवाही यह है कि पिछले महीना 2 तारीख से मेरे कमर में बहुत दर्द हो रहा था, मैंने उठ बैठ नहीं पा रहा था, फिर इधर 5 को आया तो कुछ नहीं आराम हुआ, 12 को आया तो कुछ नहीं आराम हुआ, 19 तारीख आया था जब वो कौन सा दिन था वो, तो सिस्टर बोली कि घुटना पे आके अपने था मैं चंगाई के दरमियान बोले कि बीमार भाग पे हाथ रखो, आपने कमर के ऊपर हाथ रखा, घुटना पे आके मैं कमर पे हाथ रखा तो उसी टाइम से मेरा दर्द चला गया, प्रभु ने ठीक किया। और अगली गवाही बताइए। दूसरा मोरा 2013 से मेरे ब्लड प्रेशर है बहुत ज़्यादा हो गया था, मैं गिर गया था, 4 दिन ACU में भर्ती था, 2013 से दवा खाते खाते मैं थक गया था, अभी 1.5 महीना हो गया और 1.5 महीने से अभी तक हमको कुछ हुआ नहीं है। अभी दवा बंद करने के बाद चक्कर आना, मतलब कि जो भी तकलीफ था वो तकलीफ नहीं होता है? अभी कुछ नहीं हो रहा, एकदम सही है अभी। प्रभु यीशु ने आपको बचाया है, सुना हमको चंगा किया है। इस बहन का नाम पल्लवी मंडल है। इनके हाथ के ऊपर गए 5 महीने से सफ़ेद दाग आ गए थे और उस दाग के ऊपर उनको काफ़ी खुजली होती थी और खुजलाने पर वहाँ से खून भी निकलता था, इतनी ज़्यादा परेशानी बढ़ गई थी। ये बहन उस समय पर उनके गांव में थी, वहाँ पर वो बराबर प्रार्थना कर रही थी, प्रार्थना माध्यम का इस्तेमाल कर रही थी और वैसे ही वचन बोल रही थी जिससे प्रभु का अनुग्रह उसके ऊपर हो गया और सफ़ेद दाग पूरी तरह से नष्ट हो गए। इसलिए तालियां बजाकर प्रभु यीशु को धन्यवाद दीजिए। बहन जी आप फोटो दिखाइए आपके पास, जब भी आपके हाथ के ऊपर सफ़ेद दाग थे उस समय का, ये 2 जगह पर ऐसे सफ़ेद दाग आए हुए थे, उस पर बहुत ज़्यादा खुजली होती थी? हाँ खुजलाता था बहुत ज़्यादा, दर्द भी होता था, नोचते तो खून निकलता था, इसमें बहुत दर्द होता था, परेशान बहुत होते थे, मतलब खुजलाते खुजलाते वहाँ से खून निकलने लगता था, आता था खून भी आता था, नोचते नोचते ना खून भी निकलता था। 5 महीने तक वैसा था? 5 महीने तक ऐसा ही था। आपने इसके लिए विश्वास से प्रार्थना किया, वचन बोलते रहे? 3 वचन बोले, प्रार्थना किए, इसके बाद अपने से ठीक हो गया। अभी आपका हाथ दिखाइए कैसा है, दोनों भी हाथ पे थे कि एक ही हाथ पे? दोनों हाथ पे, इधर भी था इधर भी था, दोनों हाथ में था। अभी दोनों हाथ के दाग पूरी तरह से नष्ट हो गए, सफ़ेद दाग पूरी तरह से निकल गए? निकल गया। आपका नाम बताइए। गौरा पांडे। क्या गवाही है? मेरा बहुत अगले रविवार को बहुत सिर दर्द हो रहा था, उल्टी हो रहा था, मैं उठ नहीं पा रही थी, फिर भी मैं बोली परमेश्वर तेरे भवन में मुझे जाना है, कैसे भी करके आप पहुँचाए। फिर मैं आई, आने के बाद मेरे को बहुत आराम मिला, आराम मिला तो उसके बाद मेरे को प्रार्थना नहीं मिला था, मैं दोपहर के 2 बजे के प्रार्थना लेकर मैं शाम को घर पे गई, फिर भी मेरे को थोड़ा बहुत चक्कर आ रहा था। फिर मैं सुबह सोमवार को दिन मैं सुबह उठ नहीं पा रही थी और मैं बोली मैं अभी सो जाती हूँ, 7 बजे के बाद मैं सो गई। मैं दुष्टों को सपना देख रही थी, बोलते तुम लोग जाते हो ना उधर, मैं तुम्हारे परिवार को सबको मार डालेगी। हम बोले तुम कैसा मारोगे, मेरा यीशु है मेरे साथ, मैं सबके ऊपर पानी छिड़कते जा रही हूँ। और मेरे को बोलते दुष्टों तू कितना भी पानी छिड़क, तेरे घर वाले को
सबको मैं मार डालेगी। ऐसा आपको शैतान बता रहा था सपने में? हाँ, शैतान बता रहा था सपने में। मैं बोली तू नहीं मार पाएगा, मेरा परमेश्वर है मेरे साथ। मेरा जितना आजू बाजू मारे था, पड़ोसी था, सबके ऊपर मैं पानी छिड़क रही हूँ और सबको बोल रही हूँ मैं यीशु के नाम से मैं पानी दे रही हूँ, कोई नहीं मरेगा, किसी को नहीं मारने को दूंगी मैं। इसके लिए मैं प्रभु को धन्यवाद। तो उसके बाद फिर क्या होगा, सपना जब टूट खत्म होने के बाद? उसके बाद मैं जैसा उठी तो मेरा सिर दर्द, उल्टी, सब मेरा एकदम निकल गया। आप भले चंगे हो गए, प्रभु ने इनको चंगाई दी। आप लोग तालियां बजाकर प्रभु यीशु को धन्यवाद दीजिए। भाई आपको क्या हो गया था? मेरा नाम सचिन गायकवाड़ है। 5 महीने पहले मेरा एक्सीडेंट हो गया था, रिक्शा पलटी हो गई थी तो मेरे पैर में ना जख्म हो गया था। और जख्म ऐसा हुआ था कि पूरा खड्डा गिर गया था पैर में, तो उसमें से ना लस आती थी, बहुत लस आती थी, पैंट भीग जाती थी इतना, यानी कि उसमें से पस निकलता था, तो बहुत पैंट में पूरा लस आती थी। एक डॉक्टर के पास गया मैं और डॉक्टर को दिखाया मैंने पाँव, वो तो बोलता ये कोई नहीं अच्छा कर सकता, बोलते इसके लिए तुमको एक डॉक्टर के ऊपर नाम बताता हूँ, उधर जाओ और उधर जाके वो दिखाओ, क्योंकि तुम्हारे पैर में ना वो मांस है ना, मांस में पॉइजन हो गया है और उसकी वजह से पूरा पैर फैल पॉइजन फैलने लग गया है, तो इसके वजह से तुम्हारा पैर काटना भी पड़ेगा। पैर काटना पड़ेगा? हाँ, तो पैर काटना पड़ेगा बोला। इसके लिए तो मैं डॉक्टर के पास गया ही नहीं, अपना प्रेयर का तेल पानी और 3 शिविर किए मैंने डानू में, तो सिस्टर ने मेरे लिए प्रार्थना की और आशीर्वाद दिया। और 3रे शिविर में देखता तो पैर पूरी तरह से ठीक हो गया था। और फिर उसके बाद में मैं ऐसा ही करता रहा। और अभी सिस्टर ने अभी प्रवचन में बताया ना, जख्म होता है तो फिर लस से पैंट भीग जाती है, तब फट से याद आया कि मेरा भी ऐसा ही था, तो मुझे गवाही देना ही है। आपका जो जख्म था, जरा मोबाइल में फ़ोटो दिखाइए, आप देखिए इनके पैर में ये जख्म है जो पॉइजन बन गया था, जो बड़ा जख्म हुआ है। कौन से पैर में हुआ था जरा दिखाइए, जरा पैंट ऊपर कीजिए। ये जो जख्म है ये? हाँ, ये जख्म जो भर गया, ये जख्म इतना ज़्यादा भर गया था, मतलब कि जैसे खड्डा हो गया था, पॉइजन हो गया था, पैर काटने के लिए बताया गया था, निकले बोला था पैर। लेकिन प्रभु यीशु ने क्या किया? प्रभु यीशु ने मेरे ऊपर महान कृपा की और उनकी दया की और मेरे को बचंगा कर दिया। प्रभु ने अद्भुत तरीके से जख्म को भर दिया है। डॉक्टर ने बताया था काटने के लिए, लेकिन प्रभु ने महान अनुग्रह किया, इस जख्म को भर दिया, प्रभु ने अच्छा किया है। आप लोग जोरदार तालियां बजा के प्रभु यीशु का धन्यवाद दीजिए। आपका नाम बताइए। मेरा नाम लालमणि भरद्वाज है। क्या हुआ था आपकी बेटी को? मेरे बेटी को सीढ़ी से उतर रही थी और फिसल के 3-4 सीढ़ी ऊपर से गिर गई थी। उसके पैर में इतना दर्द हो रही थी, सूजन आ गई थी तुरंत, तो बोली लगता है कि कुछ हड्डी वड्डी इसका ऊपर नीचे हो गया है। तो तेल, प्रार्थना का तेल लेके मैं मालिश करने लगी, ऐसा लगता था कि पैर को कोई खींच के सीधा कर रहा है, एकदम से खींच के सीधा कर रहा है। उसको बहुत दर्द हो रहे थे, उसको आराम मिल गया। जब जैसे मैं उसको मालिश करने लगी, तेल से उसे आराम मिल गया। पैर में ज़्यादा सूजन आई हुई थी तुम्हारे? हाँ। कौन से पैर में? ये वाले पैर में, ये दाहिने पैर में। कितनी सूजन और कहाँ पर आई थी सूजन? ये यहाँ पे आ गई थी, ये बहुत ज़्यादा आ गई थी। दिखाइए हाथ से कितना पैर आपका सूज गया था। ये इतना सूज गया था मेरा पैर, एकदम चलने के लिए जमता नहीं था। नहीं, चलने के लिए जमता था नहीं था। जब मम्मी ने विश्वास से प्रार्थना का तेल आपके पैर पर लगाया, उस समय पर क्या हो गया? मम्मी का हाथ चिपक जा रहा था उस पर और दर्द भी निकल गया। मैं तुरंत ही एकदम, तुरंत ही दर्द निकल गया। हाँ, मैं ठीक हो गई तुरंत ही एकदम। तुरंत ही ठीक हो गए, विश्वास से प्रार्थना का तेल का इस्तेमाल किया और पैर का दर्द पूरी तरह से निकल गया। हाँ, प्रभु ने बहुत बड़ा अनुग्रह किया। और अगली क्या गवाही है? मैं ऐसे ही सोई थी, सुबह देख मेरी आँखें खुली है, ऐसा मुझे दुष्ट आत्मा कहीं दूर एकदम लेके गया था। और मैं देख रही हूँ, मुझे बोल रहा है मुझे तुझे मैं इस दिन को मैं मार दूंगा। तब तक सिस्टर ने बहुत ज़ोर से वो अंधकार की शक्ति वाला मतलब तुम्हारी आँखें ऐसी खुली हुई थी और तुम खुली आँखों से ये सब कुछ देख रही थी कि दुष्ट आत्मा तुम्हें कहीं तो भी बहुत दूर लेकर गया और उनकी योजनाएं बन रही थी कि तुम्हें वो इस दिन मार डालेगा, ऐसा तुम देख रही थी। हाँ। और उस समय पर जैसे सिस्टर छुटकारे की प्रार्थना में आज्ञा देती है दुष्ट आत्मा को निकल जाने की, उस समय पर तुम्हें वहाँ पे सिस्टर दिखाई दी। हाँ, मुझे सिस्टर बहुत तेज़ से दे रही थी, आज्ञा दे रही थी दुष्ट आत्मा को निकल जाने की। हाँ। उस समय पर फिर आगे क्या हो गया? मेरी आंखें फिर खुल गई, फिर एकदम सही था एकदम। मतलब आंखें खुली थी, आप एकदम सही सलामत, कोई दिक्कत नहीं? नहीं, कोई दिक्कत नहीं था। उसके बाद से कुछ भी आपके जीवन में कुछ भी बुरा नहीं? नहीं।
आपको क्या तकलीफ हो रही थी? मेरे फोड़े आए थे ना पाँच को पैर में, थोड़ा जोर से बोलो। मेरे फोड़े आए थे पैर में ना, तो बहुत तेज दुखते थे, दो महीना दोनों पैरों पे हुआ था, दोनों पैरों पर तो दुखते थे, तो मैं इसलिए ना अपने आदमी से बोली कि मेरे पैर में फोड़ी आए क्या करूँ, तो बोले जाओ दवा ले लूँ, तो बोली कि ना ही शिविर ले लूँ, तो बोले जाओ, तो मैं शिविर लिया तो तेल पानी लगाया, बचन बोला तो सही है, एक महीना हुआ। तो आपको चलने में वगैरह तकलीफ होती थी? होता था, चलने में बहुत दर्द होता था, अब सही है। अभी कितने दिन हो गए ठीक हो गया है? एक महीना हुआ, अभी एक महीना हो गया है। चले गए शिविर करके, कब ठीक है मेरे को पता नहीं। अपने विश्वास से शिविर में भाग लिया और अभी एक महीना हो गया है, दोनों पैरों की फोड़ियाँ नष्ट हो गई है। इस बहन का नाम सविता यादव है। गए 10 साल से इनको बवासीर की शिकायत थी, जिसकी वजह से उनको काफ़ी दिक्कत आती थी, परेशानी होती थी। ये बहन बता रही है कि पिछले महीने में 19 तारीख के दिन जब पेंटेकोस का दिन था, उस समय पर जब ये सिस्टर यहाँ पर प्रवचन देने के लिए आई, तभी इनको ऐसा महसूस हुआ जैसे उन्होंने देखा कि सिस्टर मंच पर आई प्रवचन देने के लिए, उनके अंदर से कुछ तो भी निकल करके जा रहा है। ये बहन को लगा कि इनके अंदर से कुछ तो भी निकल करके जा रहा है, और उसी समय से इनकी बवासीर की परेशानी पूरी तरह से खत्म हो गई। ये बिल्कुल ठीक है, इसलिए तालियां बजाकर प्रभु यीशु को धन्यवाद दीजिए। बहन जी, आपको इतने सालों से ये परेशानी थी, 10 साल से? हाँ, 10 साल से थी, मतलब कि हल्का हल्का पिराता था, लेकिन जब मैं इधर आने लगी सब दर्द ही कम हो गया, निकल भी गया। उस दिन आपको क्या महसूस हुआ जब सिस्टर यहाँ पर प्रवचन देने के लिए आई? नहीं, जैसे सिस्टर अंदर से निकले वैसे ही जैसे मेरे अंदर से कुछ निकला, और निकलते वक्त जैसे लगा कि मेरा शरीर एकदम हल्का हो गया, अब बवासीर भी मेरा निकल गया, इसके लिए प्रभु को धन्यवाद देते। उसके बाद से बिल्कुल भी परेशानी नहीं हुआ? बिल्कुल नहीं है, 10 साल की समस्या प्रभु ने एक पल में निकल दी। निकल दिया प्रभु ने। भाई, आपकी गवाही बताइए। मेरी गवाही ये है कि मेरे लड़के की शादी में मेरे को गाड़ी मिली थी। कौन सी गाड़ी? वो मोटरसाइकिल। मोटरसाइकिल होंडा साइन। तो वो मेरा लड़का चला आया यहाँ पे, तो मेरे साधु बोले तुम यहाँ आओ ससुराल में, कुछ काम है। तो मैं बोला मैं कैसे आऊँगा, आओ मेरे को लेके चलो। बोलते तो घर पे तुम्हारी गाड़ी है ना, तुम गाड़ी से लेके आ जाओ, जब नहीं था तो मैं आता था, अभी गाड़ी तो है तो लेके आओ। तो मैं बोला मेरे को चलाने नहीं आता, मैं कभी चलाया नहीं साइकिल, छोड़ कोई गाड़ी चलाया नहीं मैं। तो बोले देखो चला के आओ, कैसा भी आओ इधर। तो मैं बोला अभी सब लोग क्या बोलेंगे, गाड़ी है तो भी गाड़ी नहीं चलाते हैं, रखे हैं ऐसे ही। तो मैं रात को प्रार्थना किया, फिर सुबह में प्रार्थना किया, जब भी सुबह में उठा तो मेरे अंदर से आवाज़ आ रहा है तू गाड़ी चला तू डर मत। तो मैं सुबह में उठा और गाड़ी को निकाला और ससुराल गया, बहुत अच्छे से गया, और फिर वापस आया यहाँ पे, घर पे आ गया। मेरी औरत फ़ोन करके सासू बोल दिया अरे गाड़ी चलाते नहीं हो, बनारस लेके चले गए सिटी में, गाड़ी कैसे हो ना, जरा देखो उधर पता करो कहाँ है, वो लोग भेजो उधर हैं। वो लोग फ़ोन करके मेरे को बोल रहे तुम इधर हो, इधर रुको, इधर ही रुको। मैं बोला रुकेगा नहीं, तुम उधर आओ, अड्डे पे आओ, जगह पे आओ। मैं मतलब कभी आपने मोटरसाइकिल चलाई नहीं? मैं कभी साइकिल चला देती, साइकिल चलाता, लेकिन आपको अंदर से ऐसा प्रभु की आवाज़ आई कि तू चला? मेरे को प्रभु ने आवाज़ दिया और हिम्मत दिया और बोले चला तू गाड़ी, मैं हूँ ना, तो मैं गाड़ी चलाने लगा। बिना ट्रेनिंग के आपने गाड़ी चलाई? बिना ट्रेनिंग के। कितना किलोमीटर? 50 किलोमीटर। 50 किलोमीटर चलाई? 50 किलोमीटर। सब लोग जोर से ताली बजाकर प्रभु यीशु को धन्यवाद दीजिए। भाई, आपकी क्या गवाही है? मेरा नाम रामचंद्र जायसवाल है, वसई वाली से मैं आया हूँ। मेरा ये गवाही है कि 10 दिन पहले मेरे मुँह में छाले पड़ गए थे, मैंने प्रार्थना माध्यम का इस्तेमाल किया और वो ठीक हो गया। और दूसरी गवाही ये है कि 4 दिन से मेरे सर में दर्द हो रही थी और काम करने की भी इच्छा नहीं होती, जिसके लिए आज अभी के प्रार्थना में और भाग लिया प्रार्थना से के द्वारा मेरे चंगाई मिल गई, सर का दर्द निकल गया। निकल गया। तुम्हें सर ने जोरा टाया वाजून प्रभु यीशुला धन्यवाद दिया। भाई, आपकी क्या गवाही है? मेरा गवाही ये है कि मेरा बेटा पढ़ाई में एग्जाम देने गया था, तो जो पढ़ाई करने गया था वो कुछ भी नहीं आया पढ़ाई में, तो सोचा मैं क्या लिखूँ, तो मैं बोला तू भगवान से प्रार्थना करके जाना, सीता से प्रार्थना लिया था, तो अभी अच्छे से पास हो गया 62% में, तो भाई प्रभु धन्यवाद देता हूँ प्रभु को। कुछ भी नहीं आया मतलब क्या? जो पढ़ाई करने गया था उसमें पेपर कुछ भी नहीं आया, मतलब जो उसने तैयारी करके की थी उसमें से एक भी सवाल नहीं आया, कुछ भी नहीं आया। तो मुझे मैं क्या लिखूँ, मैं कि तू क्या लिखा था, मुझे समझ नहीं क्या लिखा, मैं ऐसा ही चला, तो अच्छे से पास हो गया था। फिर भी अच्छे से पास हो गया, अच्छे प्रभु ने पास कर दिया। पास कर दिया। आप सब लोग जोर से ताली बजाकर प्रभु यीशु को धन्यवाद दीजिए।
तुझे खोज रहा, ऐसे प्रभु मैं तुझे खोज रहा, प्यासा हिरन जैसे ढूंढे है जल को, ऐसे प्रभु मैं तुझे खोज रहा, ऐसे प्रभु मैं तुझे खोज रहा। जोर से तालियां बजाओ, प्रभु का धन्यवाद करो उच्च आवाज में, दिल खोल कर प्रभु का धन्यवाद करो। धन्यवाद 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 प्रभु तुझे धन्यवाद, तुझे धन्यवाद, तुझे धन्यवाद, तुझे धन्यवाद। देखो अपने महान प्रभु यीशु की ओर, वह आत्मा के रूप में यहाँ पर मौजूद है, आपसे दूर नहीं है, वह आपके बहुत नज़दीक खड़ा है। अपनी आंखें बंद करो, आत्मा से प्रभु को देखो और केवल उसे ही देखते रहो। अपनी चिंताएं, अपने विचार, मन के सारे विचार दूर कर दो और केवल प्रभु की ओर देखते रहो। आप भयानक बीमारी से गुजर रहे होगे, बड़े संकट या समस्या से गुजर रहे होगे, आपका दिल दुख से भारी हुआ होगा, तो भी डरना नहीं, क्योंकि आप मनुष्य के सामने नहीं
जीवित परमेश्वर के सामने खड़े हैं और वो आपको खाली हाथ नहीं भेजेगा। वो जीवन का परमेश्वर है, वो प्रेम करने वाला दयालु पिता है। वो आपको नहीं छोड़ेगा, नहीं त्यागेगा। वो आज हाथ बढ़ाकर आपको छुएगा और आपके शरीर से हर बीमारी को वो नष्ट कर देगा। शैतान ने जहां भी आपको बांध कर रखा है, प्रभु यीशु आज आपको आजाद कर देगा। आपके भारी दिल को, जो दुख से भारी हो गया है, आज प्रभु उसे खुशी से भर देगा। आपके आंसुओं को पोछ डालेगा, क्योंकि उसने खुद कहा है, तुम सभी मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। आपके शरीर के हर बीमारी को नष्ट करके प्रभु यीशु आपको विश्राम देगा। आपके दुखों को दूर करके वह आपकी आत्मा को भी विश्राम देगा। आपको पापों की क्षमा करके, आपका उद्धार करके वह आपको अनंत काल का विश्राम देगा। अपनी आत्मा की आंखों से प्रभु को देखो, वो कितना अच्छा है, कितना भला है, वो हमसे कितना चाहता है, कितना प्रेम करता है। उसने हम पर इतना प्रेम किया है कि हमारे खातिर वो स्वर्ग छोड़कर धरती पर आया, परमेश्वर होकर इंसान बना, हमारे सारे बीमारियों को, सारे क्लेश और दर्द को, सारे श्रापों को और सारे अधर्म और पापों को यीशु ने अपने ऊपर उठाया। जो बोझ हमारा था वो यीशु ने उठाया और वो हमारे लिए क्रूस पर समर्पित हुआ। खुद का पवित्र लहू बहाकर उसने हमें अपने पापों से शुद्ध किया है। वो हमें पापों से मुक्त करके धर्मी बना देता है। देखो उसकी ओर, उस क्रूस पे, क्रूस की ओर अपनी आत्मा से देखो, जिस पर हमारे प्रभु ने अपना बलिदान किया और हमें शैतान के हाथ से खरीद लिया। उसका धन्यवाद करो, उसके अनंत प्रेम के लिए उसका धन्यवाद करो। अपने दोनों हाथों को स्वर्ग की तरफ ऊंचा उठाओ, दिल की गहराई से कहो, प्रभु तुसे धन्यवाद, तुसे धन्यवाद, तुसे धन्यवाद। तेरा प्रेम महान है, तेरी दया महान है, तूने मुझे बचाया, मुझे नया जीवन दिया, मुझे क्षमा किया, मुझे चंगा किया, मुझे खुशी से भर दिया, शांति से भर दिया, मुझे अनंत जीवन दिया। तुसे धन्यवाद, दिल की गहराई से तुसे धन्यवाद, दिल की गहराई से तुसे धन्यवाद। तेरी स्तुति हो, तेरा नाम ऊंचा हो जाए, तेरा नाम ऊंचा हो जाए, तेरा नाम ऊंचा हो जाए। और अभी प्रभु के सामने शांत होकर अपना हृदय खोलो। वो दिल को परखने वाला परमेश्वर है, पापों की क्षमा करने वाला वो परमेश्वर है, और इसलिए अपना पापी हृदय उसके सामने खोलो। याद करो आपके मन में किन के लिए गुस्सा है, नफरत है, बदले की भावना है। आज उन सबको क्षमा करो, क्योंकि ये प्रभु यीशु की आज्ञा है। यीशु ने हमें सिखाया है कि हमें हर दुश्मन को, हर अपराधी को, हर बैरी को क्षमा करनी चाहिए, जिन्होंने आपको सताया, नुकसान किया, बर्बाद किया, धोखा दिया, अपमान किया। ऐसे सब लोगों की याद करो। आपके मन में खुद के पति के लिए गुस्सा होगा, पत्नी के लिए गुस्सा होगा, माँ, पिताजी, भाई, बहन, सास, ससुर, बहू, दामाद या और कोई भी लोग होंगे, घर के पड़ोसी, रिश्तेदार, काम के यहाँ के साथी या और कोई भी। उनके चेहरे आँखों के सामने लाओ और सच्चे हृदय से कहो, मैं तुझे प्रभु यीशु के नाम से क्षमा करता हूँ,
क्षमा करती हो, हर एक को क्षमा करो, सारा गुस्सा सारी नफरत अपने अंदर से निकाल डालो, ये शैतान के बंधन है, इन्हें तोड़ डालो, क्षमा करो, हर एक को क्षमा करो, पूरे मन से क्षमा करो। टच टच टच। और अभी प्रभु यीशु के सामने पूरी रीति से नम्र होकर अपने पापों को कबूल करो, खुद के पाप कबूल करो। आपके पाप कोई नहीं जानता होगा, पर वो महान परमेश्वर जानता है, उससे कुछ भी छिपा हुआ नहीं है। कबूल करो, चोरी करना, झूठ बोलना, व्यभिचार करना, हत्या करना, रिश्वत लेना, रिश्वत देना, परमेश्वर को दोष लगाना, स्वार्थ, अहंकार, दूसरों को फंसाना, लूटना, अंधेर करना, अन्याय करना, कबूल करो। मन के बुरे विचार, आंखों से जो गलत देखा, जबान से जो गलत बोला, किसी को गालियां दी, मजाक किया, निंदा की। बहनों, यदि आप अपने पति के अधीन नहीं रहती है, भाइयों, यदि आप अपनी पत्नी से सच्चा प्रेम नहीं रखते हैं, कबूल करो। आपने आपके माँ बाप का सम्मान नहीं किया होगा, उनके प्रति आपका जो फर्ज है उसे नहीं निभाया होगा। बच्चों, यदि आप माँ बाप की नहीं सुनते हैं, उनसे झूठ बोलते हैं, कबूल करो। शराब पीकर या किसी नशीले चीज का सेवन करके अपने खुद का और अपने परिवार का नुकसान किया होगा, नशीली चीजों का धंधा करके अपने दूसरों का नुकसान किया होगा, हर पाप कबूल करो। और आपके जिंदगी के ऐसे कई पाप जिनके बारे में कोई नहीं जानता है, ऐसे गुप्त पाप कबूल करो। प्रभु से कहो, हाँ प्रभु, मैं कबूल करता हूँ, मैं कबूल करती हूँ, मैंने पाप किए हैं, मुझसे पाप हो चुके हैं, मुझे मंजूर है, कबूल है, मेरा हर पाप मुझसे कबूल है। टच टच टच। और अभी अपने पापों के लिए आंसू बहाकर पश्चाताप करो, रो, ये समय है पापों के लिए रोने का। पापों के लिए रोने वाला दिल प्रभु को अच्छा लगता है। प्रभु से कहो, हे प्रभु, मैं एक पापी व्यक्ति हूँ, हाँ मैं पापी व्यक्ति हूँ, मेरा जीवन पापों से भरा है, मुझे दुख हो रहा है, बुरा लग रहा है, क्योंकि मैंने बहुत पाप किए हैं, मैं पापी हूँ, प्रभु मैं पापी हूँ, मैं महापापी हूँ। टच टच टच। और अभी क्षमा मांगो प्रभु के पास, हमें पापों की क्षमा दिलाने के लिए प्रभु यीशु ने क्रूस पर खुद का बलिदान किया है। अपनी आत्मा से प्रभु यीशु के क्रूस को देखो, क्रूस पर से बहने वाले उसके पवित्र लहू की ओर देखो। अपने हाथों को उठाओ और दिल से उसे पुकार कर कहो, प्रभु यीशु मुझे क्षमा कर, मुझे क्षमा कर, मुझे क्षमा कर, मैं पापी हूँ, प्रभु मैं पापी हूँ, मैं महापापी हूँ, मुझ पापी पर दया कर, दया कर मुझ पर, दया कर मुझ पर, मुझे क्षमा कर, मुझे तेरी जरूरत है, तेरे पवित्र लहू से मुझे धो डाल, तेरे लहू से मुझे शुद्ध कर,
मुझे शुद्ध कर, मेरी आत्मा को शुद्ध कर, प्रभु दया कर, दया कर, मुझ पापी पर दया कर, मुझे क्षमा कर, मुझे क्षमा कर, मुझे क्षमा कर प्रभु। और अभी विश्वास के साथ आपके बीमार भाग पर हाथ रखो। एक पल में प्रभु यीशु आपको स्पर्श करके चंगा करेगा। जहां आपको बीमारी है वहां पूरे विश्वास के साथ हाथ रखो, और यदि वहां पर हाथ रखना संभव नहीं होगा तो सीने पर हाथ रखो। ये प्रभु का समय है, ये प्रभु की घड़ी है, स्वर्ग आपके लिए खुल चुका है। आपके शरीर में से हर बीमारी प्रभु यीशु के पवित्र नाम से इसी क्षण निकल जाए। शरीर की गाठियां नष्ट हो जाए, शरीर के दाग नष्ट हो जाए, जख्म सूख जाए, सूजन निकल जाए, टूटी हुई हड्डियां जोड़ जाए, मानसिक बीमारी प्रभु यीशु के नाम से पूरी तरह से नष्ट हो जाए। आपके शरीर का हर एक अंग जिसे शैतान ने बांध कर रखा है प्रभु यीशु के नाम से इसी घड़ी वो मुक्त हो जाए, मुक्त हो जाए। अंधे देखने लगे, गूंगे बोलने लगे, बहिरे सुनने लगे, लंगड़े चलने लगे, कोढ़ी शुद्ध हो जाए। जिनमें दुष्टात्माएं है उन सारी दुष्टात्माओं को प्रभु यीशु के नाम से मैं आज्ञा दे रही हूँ, इसी क्षण इन्हें छोड़कर निकल जाओ और वापस उनमें नहीं आना। जिन्हें नौकरी नहीं उन्हें प्रभु नौकरी दे, जिनका धंधा है उनके धंधे पर प्रभु की आशीष आए, जिनके पास मकान नहीं उन्हें प्रभु मकान दे, जिन्हें बच्चे नहीं उन्हें प्रभु बच्चे दे, जो कर्जे के बोझ से दब चुके हैं उनका कर्ज अदा हो जाए, जो व्यसन में डूब चुके हैं वो व्यसन से मुक्त हो जाए, जिनके घर में झगड़े होते हैं उनके घर में प्रभु यीशु की शांति आए। आपके जीवन में से और परिवार में से हर बीमारी, परेशानी, संकट प्रभु यीशु के पवित्र नाम से इसी क्षण निकल जाए और आपके ऊपर और आपके परिवार के ऊपर प्रभु यीशु के महान आशीष आए। तालियां बजाओ, प्रभु का धन्यवाद करो। उच्च आवाज में धन्यवाद, 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 धन्यवाद स्वर्गीय पिता, धन्यवाद हे महान पिता, धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद पवित्र आत्मा, धन्यवाद प्रभु, तुझे धन्यवाद, तुझे धन्यवाद। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आखिरी आशीष के लिए अपने दोनों हाथों को ऊपर उठाओ और इसी समय घर से लाया हुआ तेल, पानी, रुमाल और जिन चीज़ों पर आप आशीष लेना चाहते हैं उनको भी हाथ में पकड़कर ऊपर उठाओ। प्रभु यीशु उन चीज़ों के ऊपर अभी आशीष देगा। आप सबों के ऊपर प्रभु यीशु के महान आशीष आए। आप जहां जाओगे वहां सफल हो जाओगे, आप जैसा बोलोगे वैसा हो जाएगा, आपके मन की तमन्ना को प्रभु यीशु पूरा करेगा, शैतान की हर योजना से प्रभु यीशु आपको बचाएगा, आपका जीवन और आपका परिवार प्रभु यीशु के महान आशीषों से भर जाएगा। आमीन। जो प्रभु यीशु का काम करना चाहते हैं और सामर्थ्य चाहते हैं आप विश्वास से दोनों हाथों को ऊपर उठाओ। आप सबों के ऊपर पवित्र आत्मा आ जाए। हाथ नीचे करो। अभी हम आत्मा की मुक्ति की प्रार्थना लेने जा रहे हैं। ये पाप क्षमा और स्वर्ग प्रवेश की प्रार्थना है। आप में से जिन भाई बहनों ने प्रभु यीशु को ग्रहण नहीं किया है, यदि आज आप यीशु को ग्रहण करके अपने आत्मा की मुक्ति पाना चाहते हैं तो हाथ जोड़ो, आंखें बंद करो और मेरे पीछे प्रार्थना बोलो। जिन्होंने यीशु को ग्रहण किया है और आपका उद्धार हुआ है तो आपको ये प्रार्थना बोलने की ज़रूरत नहीं है। हे प्रभु यीशु, आज मैं तुझ पर पूरी तरह से विश्वास करता हूँ,
मैं विश्वास करता हूँ कि तू परमेश्वर का पुत्र है। तू मेरे लिए स्वर्ग छोड़कर धरती पर आया, मेरे लिए तूने क्रूस पर जान दी है। हे प्रभु यीशु, आज मेरे दिल में मैं तुझे ग्रहण करता हूँ। तू मेरा प्रभु है, तू मेरा मुक्तिदाता है। हे प्रभु यीशु, मैं पापी हूँ, मुझे क्षमा कर और मुझे तेरे पवित्र आत्मा से भर दे। आमीन। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और अभी हम आखिरी गाना लेने जा रहे हैं।